बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान शहजादा मोइन हाजिर है। आज T20 एशिया कप का फाइनल मैच खेला जाना है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। बड़ा मार्का है दोनों टीमों के दरमियान, क्योंकि हमने देखा कि पिछली दफ़ा जो मैचेस हुए हैं और ख़ासकर जो एशिया कप T20 में मुकाबले हुए हैं, उसमें अगर मैचेस के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का थोड़ा सा पल्ला ज़रूर भारी दिखाई देता है, लेकिन श्रीलंका टीम जो है इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में है। हमने देखा कि माजी में जितने भी मैचेस हुए उसमें पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो मैचेस खेले गए उसमें पाकिस्तानी टीम ने श्रीलंका से ज़्यादा फतूहत हासिल की हैं। लेकिन अगर हम इस एशिया कप T20 की बात करें तो इस वक्त श्रीलंका की टीम जिस वक्त एशिया कप अपना पहला मैच खेल रही थी और दूसरा मैच खेल रही, उस वक्त किसी को तवक्को नहीं थी, बल्कि माहिरीन भी ये कहते नज़र नहीं आ रहे थे कि यह टीम फाइनल खेलेगी। लेकिन ऐसा सब कुछ बिल्कुल माहिरीन के बरखिलाफ हुआ और श्रीलंका टीम जो है फाइनल में पहुंचती दिखाई दी, और उसके साथ पाकिस्तान की टीम जो है इस वक्त फेवरेट करार दी जा रही थी कि पाकिस्तान टीम भी जो है एशिया कप के T20 फाइनल खेलेगी। जिस फॉर्मेट की बात करते हैं हम T20 की, तो इसमें पाकिस्तानी टीम इस वक्त बहुत ज्यादा दीगर ममालिक के बहुत ज्यादा हावी नजर आती है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ये फाइनल मैच आज शाम के 7 बजे खेला जाना है, और स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं, जहां पर हम अपने मेहमानों से भी आपकी तारुफ कराएंगे, तजिया निगार भी हमारे साथ होंगे, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे, सबसे हम आपकी बातें भी कराएंगे। थोड़ी सी बात कर लें इस एशिया कप के हवाले से, तो अब तक एशिया कप में श्रीलंका टीम जो T20 हुए उसमें जो है 5 बार जो फतह जो एशिया कप की टाइटल जो है श्रीलंका ने हासिल किया है, जबकि अगर टाइटल की बात किया जाए तो सिर्फ 2 दफ़ा पाकिस्तान पर किस्मत मेहरबान हुई और टाइटल पाकिस्तान ने 2 दफ़ा जीता है एशिया कप T20 का। तो यकीनन आज का फाइनल बड़ा फाइनल है और पाकिस्तानी टीम भरपूर तैयारी के साथ इस फाइनल में उतरेगी, क्योंकि हमने देखा पिछले मैच में जो है श्रीलंका टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। आज पाकिस्तानी टीम में किस किस्म की तब्दीलियां होंगी, क्या विकेट का जो माहिरीन है तजिया निगार है देखते हैं कि आज टॉस की भी बड़ी अहमियत होगी, तो इन सारे मौजूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो पे तजिया निगार भी सारे मौजूद है। इनसे सबसे पहले हमारे पास है हमारे रियाजुद्दीन जो हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट है और हमारी टीम का हिस्सा भी है, और उसके साथ है मजहर आवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो तजिया निगार हैं, बड़ी जबरदस्त एक्सपर्ट करते हैं क्रिकेट के हवाले से, और उनके साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं, क्रिकेट को बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं, ये भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और आज इनसे भी खुलकर बात करेंगे। उसके साथ साथ हमारे स्टूडियो में गए बगैर जैसे जैसे घंटे गुजरते जाएंगे तो हमारे साथ और भी लोग जुड़ते जाएंगे। तो सबसे पहले रियाज साहब के पास आते हैं। रियाज साहब, फाइनल मैच है, बड़ा मैच है, क्योंकि हम देखते हैं कि 2 दफ़ा पाकिस्तान ने फाइनल T20 का जीता है, कैसा देखते हैं आज के मैच को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से एक बड़ा दिन है, एक बड़ा दिन वो था जब पाकिस्तान ने 92 का वर्ल्ड कप जीता था, फिर एक बड़ा दिन वो था जब सरफराज अहमद ने जूनियर वर्ल्ड कप जीता था, फिर उसके बाद ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जो 2017 में इंग्लैंड में हुई थी, मैं भी वहाँ मौजूद था, सरफराज अहमद की क्यादत में हमने वो जीता था, फिर यूनुस खान की क्यादत में भी हमने एक ICC का टूर्नामेंट जीता था 2008 में। अच्छा, जहाँ तक एशिया कप की बात है तो जाहिर है ये 2 कप्तान ऐसे हैं इससे पहले जो मिसबाह उल हक और मोइन खान जो जिनकी क्यादत में आप एशिया कप जीत चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम के लिए आज ये मौका होगा कि वो भी मतलब उन कप्तानों में अपना नाम लिखाएं जो एशिया कप कम अज़ कम जीतने में कामयाब रहे हैं। आपने जो अभी अपने इंट्रो में जैसा कहा शहजादा के श्रीलंकन टीम जो है एशिया कप को 5 मरतबा जीतने में कामयाब रही, जबकि पाकिस्तान की टीम जो है वो 2 मरतबा जीतने में कामयाब रही है, और इस टूर्नामेंट में मतलब अगर आप देखें जो आपने कंपैरिजन किया उसका तो जाहिर है मतलब उनको एज हासिल है, इसलिए कि वो 5 मरतबा एशिया कप जीत चुके हैं। इसका मतलब ये कि उनकी टीम की जो एक्सपर्टीज़ है, उनका जो एक्सपोजर है तमाम सालों में, अगर आप गुज़श्ता सालों चले जाएँ तो इसका मतलब ये है कि श्रीलंका ने बेहतरीन मतलब ये कि प्लेयर्स जो हैं प्रोड्यूस किए हैं जिन्होंने अपनी टीम को फतह से हमकिनार कराया। बाकी रह गई बात इस टूर्नामेंट की, तो इस टूर्नामेंट में भी आपने देखा कि श्रीलंका को अगर चेस करने का मौका मिला तो वो उसमें नाकाबिले शिकस्त रही है। तो आज जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बड़ा दिन है, एशिया कप के हवाले से भी बड़ा दिन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज जो खेल होगा उसमें पाकिस्तान टीम को उस खेल का मुजाहरा नहीं करना होगा जो 5 विकेटों से हम शिकस्त खाई है। लास्ट मैच जो था पाकिस्तान ने बहुत ही उसको कैजुअल अंदाज से लिया था, बड़ा नॉन सीरियस एटीट्यूड था हमारे तमाम प्लेयर्स का, सिर्फ बाबर आजम जो थे वो 30 रन बनाने में कामयाब रहे, बाकी हमारा कोई प्लेयर नहीं चल सका। जहाँ तक रिजवान की बात है जिन्होंने कमोबेश ऑन एंड ऑफ बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, तो वो इस वक्त 226 रन बना चुके हैं, 118 की कमोबेश
स्ट्राइक से, यानी कोहली से पीछे हैं। कोहली ने जो है 276 रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट जो है 147 है। तो अगर ये आज रन बना लेते हैं तो ये नंबर वन बैट्समैन हो जाएंगे। लेकिन आज का जो मैच होगा शहजादा, तमाम चीज़ों से हट के कोई भी टीम टॉस जीतती है नहीं जीतती, लेकिन शुरू के जो 5-6 ओवर्स होंगे अगर उसमें पाकिस्तान टीम ने सही तरीके से मतलब कि रिस्पॉन्ड किया तो वो मैच को बचा भी सकेगी, जीत भी सकेगी। लेकिन जिस तरह की श्रीलंका की परफॉर्मेंस है और जिस तरह से श्रीलंका ने, आप ये देखें कि उनके मुल्क में हालात ख़राब थे, उन पर एक प्रेशर था, एशिया कप श्रीलंका में हो रहा था और एशिया कप श्रीलंका से दुबई आ गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई नेगेटिव असर नहीं लिया श्रीलंकन खिलाड़ियों ने, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस पेश की और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी है उन्होंने, मैं समझता हूँ कि एक मिसाल कायम की है अपने इस मैच के लिए। तो उनको एज तो हासिल होगा, उनको एक नफसियाती बरतरी भी होगी और इस नफसियाती बरतरी को हमारे बैट्समैनों ने, हमारे फील्डर्स ने और हमारे बॉलर्स ने जो है उसको देखना होगा कि किस तरह से ओवरकम करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप, अगर श्रीलंका की टीम टॉस जीत जाती है तो यकीनन वो पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत देगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे मौके पे पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान की एक प्लानिंग होती है ना, जो हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे कि शादाब ने ये कहा था कि जी हम प्लान ये करते हैं कि हम 14 या 12 ओवर के बाद हम रन रेट अपना हाई करें, तो मैं ये समझता हूँ कि शुरू के 5-6 ओवर जो होंगे वो आपके लिए बड़े क्रूशियल होंगे, बड़े अहम होंगे, उसी में आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की अहमियत होगी शुरू के। मजर साहब है, मैच है, बड़ा मार्का है, एशिया का T20 का फैसला हो जाएगा कि कौन सी टीम एशिया कप की टाइटल जो है अपने नाम करेगी T20 की। मतलब आज के मैच के हवाले से जिस तरह रियाज साहब कह रहे हैं टॉस की बड़ी अहमियत है, हमने देखा पिछले मैच में जो है श्रीलंकन कप्तान ने टॉस जीता और पाकिस्तान को खेलने की दावत दी और फिर पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक दफा फिर लड़खड़ाई, क्योंकि हम देखते हैं ऊपर के नंबरों पर बाबर, रिजवान या फखर रन करते हैं तो लंबा स्कोर होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन पिछले मैच में हमने देखा कि 5 विकेटों से शिकस्त हुई और पाकिस्तानी बैटर 121 रन पर आउट हो गए। तो आज समझ कि आज टॉस की बड़ी अहमियत है इस मैच के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए टॉस का तो हमेशा से एक फैक्टर रहा है, पिच को देखने के बाद पता चल जाता है कि माहिरीन भी वहाँ पर हैं, जिस तरीके से वसीम अकरम वगैरह जो है सारे जनरल कमेंट्स वगैरह पिच रीड कर लेते हैं तो उससे पता चल जाता है कि आपने क्या करना है। मगर अभी तक जो सामने, हमारे सामने जो भी सिचुएशन आई है, जो भी टीमें जो टॉस जीतने के बाद वो फील्डिंग करती है और जो है वो पहले बैटिंग करती है बाद में चेस कर लेते हैं, तो इस वक्त जो है ना, मगर हम जो है ये टॉस जो है ना किसी के हाथ में नहीं है कि जो है ना किसने जीतना किसने हारना। आपने, आप बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, जो भी टीमें खेल रही हैं बहुत प्रोफेशनलिज्म है और ये टॉस को जो है वो अपने माइंड के ऊपर ना सवार करें कि हम टॉस हार गए तो जो है ना आधा मैच हार गए, ऐसा नहीं। आपने जो ना, अगर वो टॉस जीतते भी हैं तो आपने अपनी प्लानिंग ये होनी चाहिए कि आपने जो जिस तरीके से जो है आपके पास वन डाउन ओपनर जो है उसके बाद वन डाउन है उसके बाद जो है ना देखें किस तरीके से बैटिंग करनी है और किसी से आपने आगे रन चलाने हैं, 10 ओवर के बाद आपने चार्ज करना है, 15 ओवर के बाद करना है या 5-2 ओवर के बाद करना है। असल में सबसे बड़ी यहाँ पर ये देखें इंडिया सॉरी जो है ना श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम के अंदर जो है ना एक चीज़ बिल्कुल सामने क्लियर नज़र आती है कि जो श्रीलंका की टीम है उनका मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा है और मिडिल ऑर्डर पे हमेशा से जब से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है उस वक्त से हम लोग इसी बात को लगे हुए हैं कि मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का नहीं है। देखें एशिया कप में हम जो है इस वक्त जो है ना आपने इंडिया के खिलाफ खेला, आपका देखें मिडिल ऑर्डर आपका कामयाब नहीं हुआ, आपका आपने अफगानिस्तान के खिलाफ खेला आपका मिडिल ऑर्डर फेल हुआ, उसके बाद आपने श्रीलंका के खिलाफ खेला वहाँ पर मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम आई है। देखिए मिडिल ऑर्डर में अगर जैसे कि आपके पास एक चांस था जो श्रीलंका इससे पहले मैच है ना आपने देख ऐसा लग रहा था कि जो है जो आपकी जो जिस तरीके से उसको मैच को लिया उसको आप मैच को आपने सीरियस लिया ही नहीं, अगर आपने सीरियस नहीं लिया तो मेरे ख्याल में जो है हैदर को जो है वो टीम के अंदर इन करते और मिडिल ऑर्डर में उसको बैटिंग करवाते, मैं भी पॉसिबिलिटी से थी कि वो जो है ना रन करता और उसका कॉन्फिडेंस जो है ना बहाल होता। मगर हमें क्या वजह है मजहब साहब के हैदर को चांस नहीं दिया? अगर हैदर को चांस दे देते और हैदर रन कर देता तो फाइनल में मजबूरी होती है। देखें मैं अभी यही वाली बात मैं आगे करने जा रहा था कि जाना ये चाहते ही नहीं है कि किसी प्लेयर को कॉन्फिडेंस दें और कोई नया लड़का जो है ना इन करें, ये उसी तरीके से चलते आ रहे हैं जिस तरीके से जो है वो जो है पूरा टूर्नामेंट खेल रहे हैं। देखिए आप जब अपने साथ जो है 15 प्लेयर लेके जाते हैं तो आप अपने पूरे पाकिस्तान का बेस्ट लेके जा रहे होते हैं, तो आपने ये नहीं करना कि मैं पसंद ना पसंद कि मैंने इसको खिलाना है उसको खिलाना है और ये मेरे बंच बना दिया, नहीं। देखिए जी हमने जो है खेलना है जो बेस्ट, अगर कोई बेस्ट लड़का नहीं दे रहा तो उसको थोड़ी देर के लिए बाहर बिठाएं,
एक आध मैच के लिए आप दूसरे प्लेयर को अंदर लेकर देखें, जब आप किसी प्लेयर को चांस नहीं दे रहे, आप फेल को जो है बार बार चांस दिए जा रहे होते हैं, और जो बेंच स्ट्रेंथ पे बताए बैठे हुए हैं आप उसको चांस नहीं दे रहे, इसका मतलब है कि बेंच स्ट्रेंथ वाले के ऊपर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। बिल्कुल, अगर अगर आप जो ना आपकी सिलेक्शन सही हो और आप बोलें कि जी ठीक है जी वो प्लेयर जो है इस वक्त हम जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, कोई मसला नहीं, हमारे पास जो बेंच स्ट्रेंथ बैठी हुई है उसको चांस दें वो रन करेगा, इसका मतलब ये कि आपकी सिलेक्शन ही सही नहीं है कि आप उसको या तो सिलेक्शन का जो सिलेक्शन कमेटी है उसके अंदर और जो मैनेजमेंट है और कप्तान उनके अंदर जो है कोई जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल जो है जब सिलेक्शन हो रही होती है तो कोच और जो है कैप्टन की जो है राय बहुत ही अहमियत अख्तियार करती है कि जो है क्योंकि उसने मैच खिलाना है और अगर उसने उसको बोला है कि भाई मुझे हैदर चाहिए तो हैदर के ऊपर इसका मतलब कॉन्फिडेंस करके लिया था ना तो उसको खिलाना चाहिए, मगर यहाँ पर इसका मतलब है कि आप नए लड़के को कॉन्फिडेंस, इसका मतलब है कि आपकी सिलेक्शन ही नहीं है। देखें बस यहाँ पर सबसे बड़ा मसला हमारे पास ये बहुत ही क्लियर पिक्चर आ चुकी है कि आपने जो है हसन अली को टीम से बाहर किया, क्यों किया आपने बाहर, इसलिए आपने बाहर किया कि उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं थी, वो नहीं थी तो आपने बाहर किया, आपके पास एक अनफिट हुआ आपने फिर उसको वापस लेकर आ गए, अगर आपको उसके ऊपर जो है कॉन्फिडेंस नहीं था, एतमाद नहीं था, आप समझ रहे थे कि इसको जो है करते उसकी जगह नया कोई बॉलर लेकर आते उसको उसको देते, इसका मतलब है कि आपकी आपके पास पीछे आपको हसन अली पे भी अब एतमाद नहीं रहा मगर आपने मजबूरी के तौर पे आपने उसको टीम में इन किया और आपने मैच खिला के उसको बिल्कुल क्लियर से काम सबको मैसेज मिल गया, सबको पता चल गया कि भाई ये अब जो है ना मेरे ख्याल में इसने क्रिकेट नहीं बहुत दूर चली गई है, ये मैंने समझता हूँ उस वक्त जिस तरीके से चैंपियन ट्रॉफी जीती थी इंडिया के खिलाफ जीती थी, जो उसका रिदम था जो उसका पोटेंशियल था वो आहिस्ता 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 कम होते होते थे, इस वक्त वो एक नॉर्मल बॉलर बन गया। मैं समझता था कि जो है ना अगर आपको देखें हसन अली से बेहतर बॉलर मीर हमज़ा था आपके पास, आपने मीर हमज़ा को साथ लेके जाते तो मैं समझता हूँ कि आपके पास बहुत अच्छा चांस था कि आप उसको खिला देते तो वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते था, आपके पास मिडल ऑर्डर नहीं है, मिडल ऑर्डर आपके पास सबसे बड़ी बात की देना देखें मजबूरी अब हमारी भी और सिलेक्टर की मजबूरी वजह बन गई है कि उसके पास जो है ना 40-30-35 लड़कों का एक बंच है, उसमें से उसने इन भी करना है उसमें आउट भी करना है, इन भी करना है आउट भी करना है। जावेद भट्टी साहब है क्या कहेंगे, 2012 में हमने बांग्लादेश को शिकस्त दी थी लास्ट टाइम और एशिया कप जीता था, 10 साल का फिर एक गैप क्योंकि 2000 में हमने जीता फिर 2012 में और फिर 10 साल के बाद 2022 में श्रीलंका के खिलाफ हम फाइनल यहां पर खेलने, क्या लगता है कि उम्मीद है कि आज के मैच में पाकिस्तान श्रीलंका को मात देने में कामयाब हो जाएगा? बिस्मिल्लाह जी शहजादा भाई, बहुत मुझे तो ये लग रहा है कि आज पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन असल मसला वही है, इतना हम अगर तनकीद कर रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं आज कि उसको ले आए उसको बिठा दें, क्योंकि आज फाइनल है, जो आपके पास है वही चलाना है। अगर पाकिस्तान पेस बैटरी के साथ जाता है, मकसद धानी को इंक्लूड कर लेता है, नहीं आज तो वैसे भी तब्दीलियों के चांसेस हैं, हसन अली उस्मान कादिर की जगह नसीम शाह वापस आ जाएंगे, वो तो दोनों आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। मकसद मैच मेरा ये तजिया है कि धानी के साथ जाएं, तीन फास्ट बॉलरों के साथ जाएं, क्योंकि श्रीलंका को आप फास्ट बॉलर शुरू में घेर लें, असल में हमारे बॉलर तो फास्ट हैं लेकिन उनकी लाइन और लेंथ जो है उस पर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि देखिए जितने भी मैचेस हुए हैं हमने पावर प्ले में इन सबको मार पड़ी है, आपको चौथे पांचवें ओवर में स्पिनर लाना पड़ रहा है, स्पिनर आता है तो थोड़ी रन्स को ब्रेक लगती है, आज बड़ा मैच है इनको चाहिए बड़े दिल से खिलाएं, धानी को लेकर आएँ, तीनों फास्ट बॉलर खिलाएं, और ये स्पिनर का आपको पता है नवाज का शादाब का रोल तो अब बहुत अहम है, आज जो है हमारी बैटिंग ये सारी बातें टॉस पे चली गई, जो टॉस जीत गई उसने पहले जो टारगेट लेना है अगली टीम को बैटिंग करवा देनी है, फिर वो आराम से चेस कर लेता है, फाइनल में ये चीज़ें नहीं होती, फाइनल में जो आपके पास देखें बहुत बड़ा जो फ़र्क है ना श्रीलंका में और हम में, सिर्फ फिटनेस का फ़र्क, वो सुपर फिट है श्रीलंका इस टाइम पर, सुपर फिट है, साहब इस वक्त आप कोई भी प्लेयर पूरे टूर्नामेंट में उनके अनफिट नहीं हुए जबकि दीगर ममालिक के प्लेयर्स अनफिट होते दिखाई दिए इस टूर्नामेंट में, मैं यही कह रहा हूँ ना ये जो मेन डिफरेंस है फिटनेस का है, वो सुपर फिट है, आपका बिल्कुल 0% है फिटनेस, तो इसीलिए जो आपने उसको छुपाना है, तो अगर आपकी बैटिंग है तो आपको बड़ा स्कोर लगाना होगा, अगर बड़ा स्कोर लगा दिया तो आप इंडिया को प्रेशर में लाएंगे, नहीं तो इंडिया से आज मुकाबला बहुत सख्त है
और ऐसी भी बात नहीं कि वो श्रीलंका जो है हमारे ऊपर चढ़े। सॉरी बिल्कुल जाहिर साहब, इस वक्त मैच का टॉस हो गया और टॉस पाकिस्तान ने जीत लिया है। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी कप्तान क्या फैसला करते हैं कि क्या करना है, बैटिंग करनी है, फील्डिंग करनी है। तो यकीनन है पाकिस्तान को टॉस जीतना बहुत बहुत मुबारक हो। और जिस तरह आप टॉस की अहमियत की बात करते हैं, एक कम तो पाकिस्तान के हक में चला गया और यकीनन अब देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीतने के बाद जो है बॉलिंग करने का फैसला किया है। तो समझते हैं कि ये अच्छा फैसला, जिस तरह अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे। ये बिल्कुल जी, मैंने ये सभी कह रहे हैं, ये जो बैटिंग सामने देखिए टारगेट है, आपने टारगेट चेस करना है। टारगेट चेस करना आसान है, लेकिन उसके लिए आज फखर को भी स्कोर करना हो, बाबर को खेल के देना हो, और लोअर और मिडिल ऑर्डर जितने आपके बंदे हैं सब ने अगर आज बैटिंग में परफॉर्म किया तो आप आराम से खेल जाएंगे। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि शुरू के जो ये फास्ट बॉलर्स के ओवर है दायरे में, उनमें मारना पड़े हर दफा जो है हमें हर टीम। लेकिन साहब, हमने प्लानिंग 11 के अंदर जो है सिर्फ दो तब्दीलियां की हैं, वही दो तब्दीलियां जो नसीम शाह इन हुए हैं और शादाब खान इन हुए हैं और उस्मान कादिर और उनके साथ जो हसन अली टीम से बाहर हो गए। तो लेकिन दो तब्दीलियों के साथ गए हैं। शाहनवाज धानी आज का मैच नहीं खेल रहे, मोहम्मद हसनैन आज का मैच खेलते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, माशाल्लाह हसनैन भी बहुत अच्छा, मैं चाह रहा था कि धानी भी आ जाए। हम जो है फास्ट बैटरी से अटैक करें श्रीलंका पे, स्पिनर को वो अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगर फास्ट बैटरी होती शुरू के जो दायरे में है ना, असल मसला यही है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हमारे कोचिज बैठे हुए, स्टाफ बैठा हो, फास्ट बॉलर हमारे दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलर, लेकिन ये वो शुरू के जो 6 ओवर है लाइन और लेंथ पे काबू नहीं पा सकते, स्विंग पे काबू नहीं पा रहे, कहाँ बॉल करानी है कहाँ नहीं करानी, इस वजह से मार पड़ रही है। बिल्कुल मार पड़ रही है। ब्रेकिंग न्यूज यही है कि पाकिस्तान ने इस मैच में फाइनल बड़ा मारका है और इसमें पाकिस्तानी टीम ने जो है टॉस जीत लिया है और टॉस जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम ने फील्डिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तानी टीम के अंदर जो है दो तब्दीलियाँ की गई हैं। पिछले मैच में हसन अली को चांस दिया गया था और उसके साथ उस्मान कादिर ये मैच खेलते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज दो तब्दीलियों के साथ जो है एक दफा फिर नसीम शाह टीम के अंदर इन हुए और उनके साथ साथ हम देखते हैं कि बड़ी जबरदस्त और इन फॉर्म शादाब खान, जिन्होंने पिछले मैच में भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया था अफगानिस्तान के खिलाफ, वो भी टीम में वापस आ गए हैं। तो रियाज साहब से बात करते हैं। रियाज साहब, तब्दीलियां तो सब यही कहते थे यही दो तब्दीलियां होंगी, जिस तरह जावेद साहब कह रहे हैं कि इस टीम के अंदर हसनैन की जगह अगर आज का मैच शाहनवाज धानी खेलते तो कुछ फर्क महसूस जरूर होता। शादाब, सबसे पॉजिटिव और अच्छी बात तो ये है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो टॉस जीतने में कामयाब रही है। इसका मतलब ये है कि आप वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं जो आपके जहन में हैं और अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, इसलिए कि जो टीम टॉस जीत जाती है उसके एक बहुत बड़ा एज होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है। अब आप जो चीज़ें सोच के आए थे अब आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड के अंदर करना है। रह गई धानी की बात, तो धानी नो डाउट बहुत अच्छे मतलब ये बॉलर हैं और मतलब ये कि बड़े एंटरटेनर भी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने तो अब एज ए ऑलराउंडर भी अपने आप को प्रूफ कर दिया जब उन्होंने इतने क्रूशल स्टेज पे 16 रन बनाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूँकि वो एक बड़ा ड्रॉबैक हुआ था जब वो फिटनेस का मसला था, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि इस ख्याल से रिस्क ना लिया हो कि कहीं उनकी फिटनेस जो है वो ख़राब ना हो। और रह गई बात अगर हसनैन टीम में है तो उसकी वजह ये थी कि इसी हसनैन ने लास्ट मैच में जब आप मतलब 5 विकेटों से हारे तो सबसे बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा हसनैन ने किया था और आपने भी देखा था, हम सब ने ये देखा था कि उनकी गेंदें इतनी नपी तुली और इतनी अच्छी गेंदें थी कि अगर मतलब देखिए वो 90% ऐसी गेंदें कर रहे थे कि अगर ज़रा सा भी बैट छूता तो वो मतलब कॉर्ड बिहाइंड होते हैं उनके खिलाड़ी, तो उनकी तो आउटस्टैंडिंग मतलब ये बॉलिंग थी। देखें अब हमने ले लिए फील्डिंग, हम फील्डिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बैटिंग, अब हमारे बॉलर्स पे मतलब ये पूरा ये डिपेंड करता है कि कम से कम रन पर जो है कम से कम। अच्छा, उसमें ये है कि जिस तरह से हम लोग मतलब ये डिसिप्लिन भूल जाते हैं हमारे बॉलर बाज़ औक़ात और वो जो है लालच में आउट करने की शॉर्ट पिचेस गेंदे देते हैं जिसमें हमें छक्के लगते हैं। और आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब हम वर्ल्ड कप जीतने की पोजीशन में थे, इंडिया को हमने दुबई में 10 विकेटों से हराया था और ऐसा लग रहा था दुनिया ये कह रही थी कि आप ICC T20 वर्ल्ड कप जो UAE में हुआ था जीत जाएंगे, लेकिन हसन अली ने जब कैच छोड़ा था हम उस वक्त तक नहीं आ रहे थे, गो कि वो बहुत बड़ा मतलब एक वो था कि हसन अली ने उस क्रूशल स्टेज पे कैच छोड़ दिया था। लेकिन वो जो 3 गेंदें थी शाहीन शाह आफरीदी की जिन्होंने उसी टूर्नामेंट में भारत के परचे उड़ा दिए थे, वो 3 गेंदें इतनी जज्बाती उन्होंने की आउट करने की लालच में शॉर्ट पिच गेंदे के उस पर तीनों पे छक्के लगे। तो मैं ये समझता हूँ कि उस मतलब ये कि हमारे बॉलर्स को उस कैफियत से आज जो है सबक सीखना होगा और हमें रन्स कंटेन करने होंगे। देखें ये मतलब आज का मैच जो है बहुत क्रूशल मैच है, बहुत ही मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैच है
और ये आपके लिए मौका होता है जब आप किसी मतलब बड़े इवेंट के फाइनल पहुंचते हैं तो वहाँ पे आपको अपनी पूरी सलाहियतों का मुजाहरा करना होता है, आपको अपना जितना भी जहन है उसको एक जगह रखना होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी होगी कि आप कोई फंबल ना करें और आप अपने आसाब को जो है काबू में रखें। अगर आप आसाब पे काबू रखेंगे तो आप फाइनल की तरह खेलें। मदर साहब फखर जमान की थोड़ी सी बात कर लें, अगर T20 के कैरियर की बात करें तो लास्ट 17 इनिंग के अंदर जो है हम देखते हैं कि फखर जमान ने 192 रन स्कोर किए हैं और अगर उनके एवरेज देखा जाए तो 11.29 है और स्ट्राइक रेट 109.71 है, तो समझते हैं कि इस बेस पर भी वो कौमी टीम में सेलेक्टर को अपनी जानी मरकूज कराते हुए नज़र आ रहे हैं, तमाम मैचेस खेलते नज़र आ रहे हैं, तो आज के मैच में अगर हम देखें तो वो भी टीम में शामिल हैं और 17 इनिंग में उनके लास्ट हाईएस्ट स्कोर जो थे वो 36 रन थे, तो समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आज फिर चांस दे देना क्योंकि बड़ा मैच था, हमने पिछले मैच में हैदर अली को चांस नहीं दिया गो के आज के मैच में फिर फखर जमान खेल लें, तो समझते हैं कि आगे अब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आज के मैच में फखर जमान पर एक ड्यू इनिंग की सूरत में है। देखिए इस वक्त जो टीम में है फखर जमान जो है जाहिर सी बात है जो सिलेक्टर थे उनको मुतासर करके ही आए हैं, अब वो मुतासर किस तरीके से किया है अल्लाह ही बेहतर जानता है, तो बहरहाल जो है ना देखे नहीं देखिए उनकी बैटिंग से कोई दो राय नहीं है, बड़े जबरदस्त है बिल्कुल हैं, लेकिन इन फॉर्म और आउट ऑफ फॉर्म जो है खिलाड़ियों के साथ लगी रहती है, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर मदर साहब वो आउट ऑफ फॉर्म जा रहे थे, बेंच में बैठे हुए जिस तरह थोड़ी देर पहले आप खुद कहते नजर आ रहे थे कि एतमाद नहीं है, तो आप हैदर अली पे एतमाद करते दिखाई नहीं दे रहे, तो फिर किस पे एतमाद करेंगे, आपने बेस्ट 15 लड़कों को लेकर गए। देखिए मैं यही वाली बात कर रहा था कि देखिए जब आपके पास जो है बेंच स्ट्रेंथ मजबूत नहीं होगी तो यही होगा कि आप जो है वो अनफिट को भी खिलाएंगे और जो जो के जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे आप उनको भी खिलाएंगे, चांस लेंगे कि शायद मे भी पॉसिबिलिटी इस वाले मैच में हो जाए अगले मैच में हो जाए, क्योंकि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। जहाँ तक जो है आप अपने साथ जो है ना प्लेयर लेके गए हुए हैं, जाहिर बात है जिन्हें हैदर अली को लेके गए तो हैदर अली को खिलाना चाहिए था, इनको पिछले मैच में खिला लेना चाहिए था, क्यों जाहिर बात है जिन्हें फखर स्कोर नहीं कर रहा, तो फखर स्कोर नहीं कर रहा तो उसकी जगह आपके पास ये बनता था कि श्रीलंका के खिलाफ जो है वो उसको खिला देते, अगर वो रन कर देता और मैं यकीनी तौर पर वो रन करता, जाहिर बात है एक नया प्लेयर आता है तो जो है कोशिश ये करता है कि मैं जो है किसी से रन करके अपनी टीम जिस बाहर है किसी डेढ़ साल से बाहर है अंदर आने की कोशिश करता तो जो है ना रन भी करता जारी पाते, मगर जो मैनेजमेंट है और साथ जो है जो कैप्टन है दरअसल बेसिकली वो नहीं चाह रहे कि कोई लड़का जो है ना आए और आके जो है ना जिस अगर आपने फखर जमान पे चांस लिया हुआ है पिछले मैच में आप जो है ना हैदर पे चांस ले लेते कि मैच हारने या जीतने से कोई फायदा नहीं होता, आप ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुके थे, जिस तरीके से आपने बेसूद जो है स्पिनर को लेकर आ गए आपस में दोस्तियां हैं, ये जो चेंजिंग थी ये दोस्ती की बिना पे हुई थी वरना कोई ऐसी चीज बनती नहीं है, जहां चेंजिंग करनी थी आपने हैदर को लेकर आते तो हैदर को देना, क्योंकि आपके पास बॉलिंग में प्रॉब्लम नहीं है आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, आपको जो है ना बैटे आपको चेक करना अगर था तो आपको बैट्समैन चेक करना था कि हैदर जो है ना हैदर को ले आते, तो जब हैदर को लेकर अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बात कर रहा हूँ अगर जिन्हें हैदर परफॉर्मेंस दे देता और जो है फखर जमान को अपने फाइनल में खिलाना ही था कोई मसला नहीं, आप खिलाते उसको भी आप उसको टू डाउन पर खिला देते, तो मतलब कि जो है अचानक हमने यहाँ पर वर्ल्ड कप जो है ना एशिया कप को जीतने के लिए गए हुए हैं और जीतने के लिए यही है कि आप जो है लड़कों को जो बेस्ट स्ट्रेंथ पे आपके पास बेस्ट अवेलेबल जो लॉट है उसमें से किसी को ऊपर चांस ले लेते तो मेरे ख्याल में बेहतर था, मगर ये हमारी बदकिस्मती है या तो ऐसा लगता है कि जो है ना कैप्टन बहुत मजबूत है जिसकी वजह से जो है वो उसकी जो है ना मैनेजमेंट में की बात नहीं मानते, या तो मैनेजमेंट जो है इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जो है दोनों में आपस में कोई जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बिल्कुल है जावेद इकबाल भट्टी साहब आपके मुताबिक टॉस पाकिस्तानी टीम जीत गई है, कितने रन पर जो है श्रीलंकन बैटर्स को रोकना होगा? शहजाद भाई अगर श्रीलंका को 140 या 50 के अंदर तो अगर आपने रोक लिया तो मैच बन जाएगा, अगर वो 70-80 की तरफ चले गए तो आपको पता है कि उनकी बॉलिंग कैसी है, स्पिनर उनके आजकल बिल्कुल लाइन और लेंथ पे खेल रहे, आप पिछला मैच देख लें आउट क्लास कर दिया हमें,
तो ये बड़ा टॉस जीत ली है, अब उनको जो है 140 150 के अंदर अंदर आउट कर लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो है दबाव में, आपको पता पाकिस्तान सेकंड बैट में दबाव में कभी नहीं आपको खेल कर दिया पाकिस्तान ने, और ना हमारी मिडल ऑर्डर चल रही। लेकिन दबाव की आप बात कर रहे हैं, हमने अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच खेला उसमें 130 रन भी हमारे लिए जो है बहुत ज्यादा भारी होते हुए दिखाई दिए, आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए थे जहां नसीम शाह ने उसे पूरा किया, तो दबाव की तो बात हम हमेशा पीछे माजी भी में भी देख ले तो हम टारगेट चेस करने में बहुत ज्यादा घबराते हुए नजर आते थे, तो समझते हैं कि इस दफा भी ऐसे मुश्किलात का सामना होगा क्योंकि कप्तान ने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया। वो बात वही है ना, जब टारगेट बोर्ड पे लगेगा उसके बाद बैट्समैनों को पता चलेगा, सिर्फ रिजवान खेल के दे रहा है आपको, रिजवान पिछले मैच में नहीं खेला तो बिल्कुल क्लैप्स कर गए सारे, बाबर ने 30 की, आज देखें बाबर पे डिग है। तो रिजवान की अगर बात करें जावेद साहब, तो रिजवान ने अपने जो 17 इनिंग लास्ट खेली है उसमें 744 रन स्कोर किए हैं और 87 उनका बेस्ट स्कोर भी रहा है, तो समझते हैं कि रिजवान जिस तरह एशिया कप में भी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उम्मीद है कि आज फाइनल में भी अपने बैट से जो है रन उगलते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, और हमारी ख्वाहिश भी है और दुआएं भी हैं कि आज रिजवान एक बड़ी इनिंग्स खेल दे पाकिस्तान के लिए, और फिर जो है कि आपको पता है कि सेकेंड टॉप स्कोरर है एशिया कप का इस साल का, कोहली के बाद उसी का नंबर है, एक इनिंग्स की ज़रूरत है, हमारी दुआएं रिजवान के साथ हैं, और देखें वो फिट नहीं है 100%, बिल्कुल 100% फिट नहीं है, आप उसकी रनिंग देख लें। फिटनेस के हवाले से इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी मैच के हवाले से कि पाकिस्तानी टीम ने इस मैच में टॉस जीत लिया है और टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया है। रियाज साहब के पास आते हैं, रियाज साहब जिस तरह जावेद साहब और मजहर साहब दोनों ही कहते नज़र आ रहे हैं कि अब हमारे बॉलर्स को जो है कम से कम 150 रन के अंदर जो है श्रीलंकन टीम को जो है काबू करना पड़ेगा, तो समझते हैं कि हम 150 रन भी बआसानी चेस करते दिखाई देंगे। देखें वैसे तो पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो तो ऐसा है कि हमारी परफॉर्मेंस में मतलब एक अनप्रिडिक्टेबल रही है, ऐसे मौक़ों पे कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं रही, लेकिन चूंकि आज फाइनल में हमारी टीम पहुंच गई है, माशाल्लाह हमने टॉस भी जीत लिया है, तो हम बहुत ज़्यादा कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे अपनी टीम को, हमारी दुआएँ जो है हमारी टीम के साथ हैं कि वो अच्छे खेल का मुजाहरा करें और अच्छे डिसीजन लें और वो जीतें। लेकिन जितने भी लोगों ने बात की है 150-140 रन की, बिल्कुल सही बात की है, इसलिए बात की है कि देखें हमारी टीम का जो पोटेंशियल है और जो हम अपनी टीम को जानते हैं और जितना समझते हैं, तो उसमें तो यही है कि हम तो बल्कि मैं तो ये कहूँगा 120-130 पे आउट कर लें ताकि आपको ज़्यादा मतलब परेशानी ना हो, और मतलब ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर जो श्रीलंकन टीम है जिस तरह से वो जेल होकर खेल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने पांचों मैचेस में इससे कबल परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, अगर वो टीम 170 रन बना लेती है तो यकीनी तौर पर हमारे लिए जो है मुश्किल होगी, इसलिए कि हमारा पास रिकॉर्ड इस तरह का है। लेकिन बात यह है कि ये आसाब का देव जो इस तरह के जो मैचेस होते हैं ना, ये एशिया कप का फाइनल है, ये आपके मतलब क्रिकेट की हिस्ट्री का तीसरा मौका है, ये तीसरा दिन है, मिसबाह उलहक और मोइन खान के बाद आप तीसरे कप्तान होंगे बाबर के, आज आपको ये मौका मिला है कि आज आप इसको फाइनल को जीतें। पहला वर्ल्ड कप इमरान खान ने जीता था, फिर सरफराज ने जूनियर वर्ल्ड कप जीता था, फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की इंग्लैंड में जीती थी, वहाँ इत्तेफाक से मैं भी मौजूद था, फिर 2008 में आईसीसी का वर्ल्ड जीता था हमारे यूनुस खान की क़यादत में। तो मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम के लिए बड़ा मौका है कि वो उन कप्तानों की फहरिस्त में शामिल हो जाएँ जिन्होंने फाइनल जीते थे। लेकिन आज के मैच को अगर आपने नॉन सीरियस लिया, जिस तरह से आपने पिछला मैच हारा है, तो यकीनन देखें श्रीलंका ने जिस तरह से उस मैच को जीता है उनकी पूरी कोशिश होगी कि वही चीज़ें उसमें दोहराएं। लेकिन उनके साथ आज थोड़ी सी जो बैड लक हुई है वो ये हुई है कि वो टॉस हार गए हैं। आज पाकिस्तान टॉस जीत गया है, इसका मतलब लगता है ऐसा कि ये पाकिस्तान का दिन है। लेकिन आपको अपने मतलब खेल के दौरान जो भी मतलब सिचुएशन होगी उसको उसी तरह से आपको मतलब रिस्पॉन्ड करना होगा। आज आपके पास फंबल की गुंजाइश नहीं होगी, T20 में वैसे भी अगर आप देखें तो आपके पास गुंजाइश कम होती है कि अगर आप कोई गलती कर दें तो उसको वापस मतलब सही कर दें। वनडे में ज़रूर मौका होता है, टेस्ट मैच में मौका होता है कि अगर आपने कोई गलती की है तो उसको रिकवरी का मौका मिलता है, आपको आप कर लेते हैं। लेकिन T20 में और ऐसे फाइनल मैच में अगर आपने श्रीलंकन टीम के खिलाफ कोई मतलब गलती की तो उसको आपका मौका नहीं मिलेगा। पहले 6 ओवर अब जब आप मतलब ये कि बॉलिंग करेंगे
तो आप ये बॉलर्स को कंटेन करना होगा और फिर ये कि आपको इस तरह से आगे चलना होगा कि आप अपना फिटनेस लेवल जो है उसको भी बरकरार रखें, इसलिए कि बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। और अभी हम इससे पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे कि हमारे ज़्यादातर प्लेयर्स जो हैं, अगर आप कंपैरिजन करें दूसरी तमाम टीमों का, तो हमारे खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल वो नहीं है जो इस वक्त इंटरनेशनल मियार, बिल्कुल इंटरनेशनल मियार के फिटनेस लेवल की बात हो रही है। मज़र साहब, इससे पहले जितने भी मैचेस हुए हमने देखा कि श्रीलंकन टीम जो है ज़्यादातर चेस करती हुई दिखाई दी। ये पहला मौका होगा श्रीलंका के लिए इस टूर्नामेंट में कि वो इन चार क्वालिफाई के बाद, सुपर फोर के बाद जो फाइनल में पहुंची है, और फाइनल में जो है वो चेस करती दिखाई नहीं देगी। पहली दफ़ा वो बैटिंग करती होगी, तो समझते हैं कि यहाँ भी थोड़ा सा श्रीलंकन टीम को प्रेशर होगा। बिल्कुल, देखें जिस तरीके से वो जो है ना मैच खेलती हुई आई है, उसने जो है बाद में बॉलिंग की है और जो है ना उसने मैच जीते, तो यकीनी तौर पर जो है ना ये देखें फाइनल का जो मरला है वो हर को टीम ये कहती है कि जो है वो दूसरी टीम को अपने मुताबिक चलाए। तो चलाने का मकसद ये होता है कि आप टॉस जीते हैं, आपके पास खुला ऑप्शन हो जाता है कि अब आपने क्या बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, जो आपका बेस्ट जो है जो पिच रीड की होती है उसके मुताबिक आप फैसला करते हैं कि आपने करना क्या है। इस वक्त जो है और जाहिर तौर पर जो है पाकिस्तान ने टॉस जीता है, तो यकीनी तौर पर जो है ना ये जितने भी एक्सपर्ट्स हैं इन सब ने जो है ना इस चीज़ की बात की हुई, ये बात कर रहे थे कि जो भी टीम जो है वो टॉस जीतेगी वो यकीनी तौर पे पहले बॉलिंग करेगी। तो बॉलिंग करने का मकसद ये होता है कि आप जो है ना सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। देखिए अब आप बैटिंग करने के लिए दूसरी टीम आई है, आपने जो है आपके जहन में भी एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर होगी कि हम लोगों ने 130 पे 140 पे या ज़्यादा से ज़्यादा 150 रन पे हमने इनको रिस्ट्रक करना है। उसके बाद जो है ना आप अपनी बैटिंग लाइन को भी देख रहे होते हैं। तो पाकिस्तान ने यकीनी तौर पे एक हदफ जो है वो एक अपनी जहन में या मैनेजमेंट जो भी उनकी जो है पीछे जो बैठे हुए हैं सब लोगों ने मीटिंग करने के बाद एक कर लिया हो कि भाई हमने जो है ज़्यादा से ज़्यादा 150 रन या समझते हैं कि भाई अगर टोटल बैटिंग पिच आ गई है तो 160 रन पे जो है ना हमने इसको रिस्ट्रक करना है। देखें इस वक्त जो है अगर बैटिंग पिच है यकीनी तौर पे जो है दुबई की पिच जो है वो बैटिंग पिच है उसमें जो है रन बन रहे हैं, जबकि शारजा वगैरह में इतने ज़्यादा रन नहीं बने, 130-140 के ऊपर भी जाके मैच फंस रहे थे। तो ये जो दुबई में जो इन्वायरमेंट है वहाँ के मुताबिक बिल्कुल चेंज है। यहाँ पर ठीक है जो है ना एक्सपर्ट्स और जितने भी लोग कहते हैं भाई 140-150, मगर ये 150 और 140 का मैच नहीं है। ये यकीनी तौर पर जो है दूसरी तरफ से भी अपना जारी पता है, वो टीम भी बड़ी कॉन्फिडेंस से आई है, उसने भी एक मैच जो हारा है बस वो मारा, उसके बाद उसने श्रीलंका की टीम को आप ये देखें कि जो है ना श्रीलंका की टीम जब आई है टूर्नामेंट के अंदर एंटर हुई है फेवरेट नहीं थी, फेवरेट जो थी वो अफगानिस्तान की टीम और जो है ना इंडिया को समझ रहे थे और पाकिस्तान को समझ रहे थे, मगर जैसे जैसे उसने अपने आप को आई है परफॉर्म किया, उसने अपने साथ जो है जेल हुई है, जेल होने के बाद उन्होंने देखें उनके जो कॉन्फिडेंस लेवल आप उस बात का देख लें कि एक नए लड़के को उन्होंने जो है डेब्यू करवाया, उसमें कॉन्फिडेंस था तो कर, और उसने आगे परफॉर्मेंस भी दे दी। तो जिस तरीके से जो है ना फाइनल जिस तरीके से वो ज़्यादा हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस आए क्योंकि हमें ऑलरेडी पहले एक मैच हरा चुके हैं, तो उन्होंने भी अपनी किया। मगर ये जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि 140-160 सारी बात, हम पाकिस्तानी हम चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरह पाकिस्तानियत भी होकर नेशनल इंटरेस्ट है हमारा अपना, हम चाहते हैं कि भाई 130 पे 120 पे ही आउट हो जाए। एक बात आपको करते एक बात आपको आपको बिल्कुल अभी बताएं, अगर पाकिस्तान अगर रिस्ट्रक्ट करती है 130 पे फिर भी मैच फंसेगा ज़रूर, बिल्कुल मैच और अगर 170-180 होगा, जावेद इकबाल भट्टी साहब जिस तरह कह रहे हैं मजर साहब के 130 पर भी मैच फंसा दिखाई देगा, गो के हमारी बैटिंग बैटर्स जो है बाद दफा नाकाम होते दिखाई देते हैं, लेकिन बड़ा मार्का है आज, तो समझते हैं आज के मैच में जिस तरह इन्होंने कहा था कि श्रीलंकन ने डेब्यू करवाया बॉलर को, उसने भी परफॉर्म किया, तो श्रीलंकन टीम इस मैच से कबल तो भरपूर फॉर्म में दिखाई दे रही है। आज का मैच भी यकीनन देखते हैं कि किस किस्म की परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ग्राउंड्स के अंदर जावेद साहब तमाशाइयों की बड़ी तादाद जो है श्रीलंकन वो सपोर्ट करने के लिए मौजूद है, उसके साथ साथ पाकिस्तानी तमाशाई भी मौजूद हैं, उसके साथ इंडिया की तमाशाई भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं यहाँ पर सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान को, कैसा देखते हैं इस तमाशाइयों के हवाले से? हाँ माशाल्लाह स्टेडियम बिल्कुल भरा हुआ है, बड़ा मैच है और बहुत पब्लिक आई हुई है, और ये नहीं कह सकते कि इंडिया के तमाशाई जो हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे, वो तो आपको पता ही, जैसे रियाज भाई ने कहा है कि अब टॉस पाकिस्तान ने जीत ली, टॉस तो पाकिस्तान ने जीत, अब उनको जो ऑप्शन है जाहिर इन्होंने जो बनाया होगा प्लान उनको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो
टॉस जीत लिया, आप जो आपके पास प्लान है आप अमल करें और उनको जल्द से जल्द आउट करने की कोशिश करें। गो के श्रीलंका की जो ओपनिंग स्टैंड है आपको पता है हर मैच में चल के दे रही है, नए बच्चे हैं और ये अब ज़्यादातर वो लड़के हैं जो पाकिस्तान को पाकिस्तान में T20 सीरीज हरा कर गए थे, ये वो उस टीम में वो श्रीलंका के वो बच्चे भी इस टीम में खेल रहे हैं। तो ये हमें केयरफुल रहना होगा, ये नहीं कि हमने टॉस जीत ली और बात वही है कि स्कोर बड़ा भी जा सकता है, लेकिन हम तो चाहेंगे कि 140-150 के अंदर है, लेकिन इस यहाँ इस विकेट पे स्कोर बनता है, स्कोर ऊपर भी जा सकता है। और आपको जो है बैटिंग में आज आपने भरपूर परफॉर्म करना है तो आपको मैच मिलेगा, और मिडल लोअर ऊपर सबको स्कोर करना पड़ेगा, आज बड़ा सबको स्कोर करना पड़ेगा। स्कोर करना या साहब है जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है श्रीलंकन कप्तान भी टॉस के हवाले से बात करते दिखाई दे रहे थे, उन्होंने कहा अगर टॉस हार भी जाएंगे तो हम इसकी भी भरपूर तैयारी कर आएंगे, तो कप्तान तो बड़े पुरजम है श्रीलंकन, अब हमारा जो कप्तान है बाबर आजम उसने किस किस्म की तैयारी की हुई है कि किस तरह पाकिस्तानी बैटर्स अपना परफॉर्म करें और श्रीलंकन बॉलर्स को जो है उस पर कंट्रोल रखने की कोशिश। देखिए शहजादा, जब इतना बड़ा मैच होता है, फाइनल मैच हो रहा है और दुबई का स्टेडियम जो है दुनिया के चंद बड़े स्टेडियम्स में से एक है और शायकीन की खासी बड़ी तादाद वहाँ मौजूद है, मेरे ख्याल जैम पैक नज़र आ रहा है और जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा तो उस वक्त और फिर आपको नज़र आएगा। मैं ये समझता हूँ कि जब इतने बड़े मैचेस होते हैं तो दोनों टीमों के जो थिंक टैंक्स होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, वो सारे ऑप्शन साथ लेके चलते हैं, इसलिए कि कभी भी उनके जहन में ये नहीं होता कि जी वो टॉस ही जीतेंगे तो फिर मतलब अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे या उसको मैनेज कर सकेंगे। दोनों टीमें जो हैं वो ऑप्शन खुला रखती हैं, दोनों टीमों को ये पता होता है कि अगर वो टॉस हार गए तो उनके पास ऑप्शन क्या क्या हैं और किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करने की सलाहियत रखते हैं और किस तरह से वो आगे चलेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपने बात की कि बाबर आजम को क्या करना चाहिए, तो बाबर आजम के लिए तो आज एक बड़ा सुनहरा दिन है, जिस तरह से कि उनकी परफॉर्मेंस जो है हमेशा से आउटस्टैंडिंग रही है, वो दुनिया के क्रिकेट के चंद बड़े बैटर्स में से निकल के सामने आए हैं, तो आज अगर वो अपने नाम के साथ फतह लिखवा लेते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ा दिन होगा और इसके लिए उनको मैं समझता हूँ कि टाइमली डिसीजन लेने होंगे, जैसे जैसे सिचुएशन तब्दील होगी या जो जो सिचुएशन उनके सामने होगी उसको सही तरह से एड्रेस करना होगा। रियाज साहब, इस वक्त पहली बॉल T20 के फाइनल की फेंकी जा रही है और नसीम शाह ने पहली बॉल की है, अब देखते हैं अंपायर का फैसला, इस पे वाइट बॉल का इशारा किया है अंपायर ने, तो पहला एक्स्ट्रा रन जावेद साहब, क्योंकि एक्स्ट्रा के मामले में हम देखें कि पिछले जो मैचेस हुए हैं उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा रन दिए, तो समझते हैं कि इस पर भी बड़ा ज़रूरत है हमें कंट्रोल करने की आज के मैच में। शहजादे भाई, मैं पहले ही आपसे कह रहा था कि हमारे फास्ट बॉलर बहुत अच्छे बॉलर, लेकिन असल मसला है लाइन और लेंथ और अपनी स्विंग, अगर आपको उस पर अपना कंट्रोल नहीं तो आपको रन लगेंगे दायरे में, सिर्फ दो फील्डर बाहर हैं, आप कितना रोक लेंगे, आपको बिल्कुल बैट्समैन को खिलानी है बॉल और बैट पे खिलाएं, डरे ना, आप वाइड करा रहे हैं, आपके पास स्विंग है आप एज निकलवाएं, आप डर के वाइड बॉल कराएंगे तो आपको बेफजूल के ये एक्स्ट्राज में जाएंगे रन। ये तो रिजवान है, वो हाफ फुल फिट भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखें वो इतनी अच्छी कीपिंग कर रहा है, 5-5 रन बचा रहा है इनके, ये इतने अच्छे हमारे बॉलर हैं। तो जावेद भाई की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, सॉरी टू कट यू, देखें यही 5-6 ओवर्स हैं जिसमें हमने मतलब अपनी सलाहियतों का बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करना होगा और नसीम शाह यकीनन उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है, उन्होंने बड़ी अच्छी मतलब ये कि बॉलिंग कराई है, लेकिन जिस तरह से ये अभी उन्होंने मतलब ये कि बहुत ही ज़्यादा बाहर थी गेंद, और बिल्कुल सही कहा जावेद साहब ने कि अगर रिजवान मतलब ये कि उसको चेस नहीं करते गेंद को तो ये 4-5 रन हो जाते, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें शुरू के ओवर्स में थोड़ा सा कंटेन करना चाहिए और उसको मैनेज करना चाहिए। बिल्कुल मैनेज करना, मजा साहब है, फिटनेस लेवल की बात हो रही है तो हमारे जो खिलाड़ी हैं वो फिट है, काफ़ी मैचेस से नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम नसीम शाह की बात करें, हसनैन की, शाहनवाज धानी की, शादाब की, तो हमारी आधी टीम तो तकरीबन जो मेन प्लानिंग 11 है उसमें अनफिट दिखाई देते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर रहती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या वजूहत हैं जो हमारा वहाँ पर फिटनेस लेवल फिजिकल बैठा हुआ वहाँ पर वो इस पर काम करता दिखाई नहीं दे रहा है, क्या वजूहत है कि हम इतने पैसे खर्च करने के बाद भी फिटनेस लेवल को सही नहीं कर पा रहे हैं? देखें, मैंने
बहुत करीब से जो है ना इस टीम को देख के मैं जो है ना टीम के साथ जो है ना दो तीन दफा जो है ना मैनेजर बन के जा चुका हूँ। बिल्कुल है, इस वक्त नसीम शाह ने पाकिस्तान को ब्रेकिंग न्यूज है कि पहली विकेट दिला दिए, दो रन पर जो है पहली विकेट श्रीलंका की गिर गई है और पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह जो इस वक्त इन फॉर्म बॉलर के तौर पर पाकिस्तानी टीम में दिखाई देते हैं और पाकिस्तान के शाहनवाज धानी के बाद अगर हम देखें तो इन्हें भरपूर तौर पर मौका मिला और उन्होंने भरपूर तौर पर जो है पाकिस्तान को जो है कामयाबी दिलाई और नसीम शाह ने एक बिल्कुल जैसा आप कुछ कह रहे हैं वही शहजादे भाई बात वही हो रही थी। ये लाइन देखें बिल्कुल इंसुल हुई और बिल्कुल भाई जगह पे बॉल पड़ी आपको विकेट मिल गई, जरूरत क्या है आपको उनको रूम देने की या वाइड करने की। हमारे मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे बॉलर बहुत अच्छे हैं लेकिन वही लाइन और लेंथ, हमारा थिंक टैंक जो बैठा हुआ है सिर्फ उन्हें यही गाइड करें कि भाई लाइन और लेंथ पकड़ के बॉल कराएं, वेरिएशन कराएं, आपके पास स्पीड है, आप अगर वाइड वगैरह एक्स्ट्रास के रन देंगे और यही दायरे में ये जो आपने आउट कर दिया है प्लेयर, ये दायरे में आपको पता है ये 6 ओवर खेल जाते हैं तो 100 रन की पार्टनरशिप देते हैं। मदर साहब जिस तरह श्रीलंकन ओपनर्स जो है लंबी इनिंग खेलते दिखाई दे रहे थे पूरे टूर्नामेंट्स के असंका और कौशल पर शाह ने पाकिस्तान की जो पहली कामयाबी दिला दी है तो अब थोड़े से बैक पे समझते हैं कि श्रीलंकन टीम पे दबाव होगा। देखें जैसे ये बॉल थी बहुत अच्छा इन स्विंग किया है, देखें जब आपके बॉलर जो है जैसे शाही इसकी जो है नसीम शाह की जो स्पीड जो है 136 से 140 से 145 तक भी हो रही है, इतनी स्पीड की बॉल को मैनेज करना इतना इजी नहीं होता किसी भी बैट्समैन के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपने लाइन और लेंथ रखनी है, लाइन और लेंथ में आप जब बॉलिंग करेंगे तो बैट्समैन को चांस नहीं होता हिट मारने की, तो वो फिर जब तंग हो जाता है जब आप जो है ना आप अपनी लाइन और लेंथ से नहीं हटते तो वो फिर कोशिश करता है कि जो है ना आपकी अच्छी बॉल को भी वो हिट करना, जब वो अच्छी हिट के चक्कर में जाएगा तो यकीनी तौर पे जो है बॉलर को जो है वो विकेट मिलती है। आपने देखें जब आप जो है गलत बॉल करेंगे या इस बॉल को जो है ना आप वाइटिंग करते रहेंगे तो उसको हिट मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी जो है वो दे रहे होते हैं रन, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है लाइन टू लेंथ में बॉल करनी है। और ये प्लेयर ऐसे नहीं है कि जो है आपको हिट ना करें, जब आप अच्छी बॉल करेंगे तो ये हिट करने के लिए जाएंगे और ये यहीं पर जो है ना आउट होंगे। तो सिर्फ आपने 5-6 ओवर जो है ये जो रिस्ट्रक्शन है जो फील्डिंग रिस्ट्रक्शन है इसमें अगर आपने रोक दिया इनको तो ये यकीनी तौर पे जो है ना रन नहीं बना सकेंगे। आप एक और चीज़ देख लें कि ये आउट होने के बाद कम से कम ये 2 ओवर तक आपके साथ मुताद होंगे, सब जिस तरह नसीम शाह ने आउट किया है बॉल थोड़ी सी इन स्विंग ही अंदर की तरफ आए, बैटर से बिल्कुल जो है समझ नहीं पाए इस बॉल को, नई बॉल से हमारे पास बॉल करने के लिए अगर शाहीन शाह अफरीदी के बाद कोई बॉलर आया तो वो नसीम शाह की सूरत में एब्सोल्युटली नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है। और नसीम शाह ने इससे पहले भी अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव किया, आज फिर प्रूव कर दिया। देखें अब जी बिल्कुल पहले ओवर के अख्ताम पे रियाज साहब 4 रन है और एक खिलाड़ी आउट है श्रीलंका का, तो कैसा देखते हैं पहले ओवर तो बड़ी अच्छी इब्तिदा है। एक तो पहले ही ओवर में आपने विकेट ले ली, फिर ये कि आपने सिर्फ 4 रन दिए, ये वो टीम है जो पहले ओवर में 10 से 12 रन बनाने वाली टीम है। तो आपको आपने सिर्फ टॉस जीता, आपने पहले ओवर में विकेट ले ली, ठीक है ना, सिर्फ 4 रन दिए, इससे ज़्यादा दिए नहीं है, सारी चीज़ें इस वक्त आपके फेवर में जा रही हैं, लेकिन इसी चीज़ को आपने मेंटेन करना है, इसी चीज़ को आपने मैनेज करना है। अगर इन्हीं इसी मतलब लाइन पे अगर आप अपने चीज़ों को मैनेज करने में कामयाब रहे तो यकीनी तौर पर आप जो है मैच में आपका अपर हैंड होगा और फिर आप जीतने की भी पोजीशन में होंगे, क्योंकि ये अभी अर्ली स्टेज है। हम ये नहीं कह सकते एक ओवर की बुनियाद पे कि जी श्रीलंकन बैट्समैन जो हैं बस वो क्लैप्स हो गए और वो ज़्यादा रन नहीं बना सकेंगे, उनमें इतनी कैपेबिलिटी है, उनमें इतनी कैपेसिटी है, वो तमाम हालात में खेलने की सलाहियत रखते हैं, इससे कबल उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव किया है, तो हमें बिल्कुल मोहतात होकर आगे चलना पड़ेगा, मोहतात होकर चलना चाहिए। मजर साहब श्रीलंकन कप्तान दर्शन भी बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, बॉलिंग में उम्दा कारकर्दगी दिखा रहे हैं, उसके साथ साथ बैटिंग में भी रन करते दिखाई दे रहे हैं, तो आज उन पर भी बड़ा प्रेशर होगा, रन की भी जिम्मेदारी होगी, फिर जब बॉलिंग करने आएंगे तो उस पर उस वक्त भी प्रेशर होगा। जो है ना श्रीलंका की टीम आज से नहीं बल्कि जो है बहुत अरसे जो है ना अटैकिंग क्रिकेट खेलती है, बल्कि आप जब 50 जब ये T20 नहीं भी हुआ करती थी तो 50 ओवर्स का जो मैच होते थे उन्होंने T20 की दी थी ईजाद, जो है ना ये दायरा की ईजाद जो है वो जयसूर्या और अतप पतू ने जो उनके जो थे
विकेट कीपर थे उनकी ईजाद है कि आपके जो जो 50 ओवर का मैच हुआ करता था तो जैसे शुरू के 10 ओवर में वो इतने रन कर जाते थे कि दूसरी टीम को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। तो ये जो दायरे का इस्तेमाल जो करना सिखाया ये श्रीलंका की टीम ने सिखाया, और श्रीलंका की टीम जो है अटैकिंग प्लेयर्स के ऊपर है, नौजवान जितनी भी इस वक्त टीम जो है देखेंगे उनके पास कोई भी सीनियर प्लेयर ऐसा नहीं है कि जो 5-6 साल से खेलता हो, बिल्कुल नए प्लेयर हैं और नए प्लेयर उनकी टीम बनी है और वो उन्होंने अपनी टीम बनाई है। तो अगर आपको जो है ना वर्ल्ड कप से टीम बनाई है तो अगले माह वर्ल्ड कप भी है तो इसके लिए बाकायदा वो प्लानिंग के तहत चल रहा है। देखें जो कोई भी मुल्क होता है, देखें आप जो है ना जब एक वर्ल्ड कप ख़त्म होता है, चैंपियन ट्रॉफी ख़त्म होती है, जो भी आपकी जो प्रॉब्लम आपके सामने निखर के सामने आ जाती है, अब आपके चांस 4 साल आपको मिल जाते हैं, आपने सोच लेना है कि एक सीनियर प्लेयर को जो जिसने 2 साल के बाद चले जाना है तो उसके बाद हमने कौन सा प्लेयर लेना है, उसको रिप्लेस कैसे करते हैं। तो वो पूरी एक मैनेजमेंट होती है और थिंक टैंक बैठा होता है जो पूरे जो है ना प्लेयरों को देखता है कि भाई इसने इस प्लेयर ने अब कितने साल खेलना है, हमने नया इसकी जगह रिप्लेस करना होता है। तो आप टीम को बनाने के लिए निकल जाते हैं तो आपको 3 साल के बाद आपको एक टीम बिल्कुल खड़ी नज़र आती है। मगर बड़ी ही बदकिस्मती है कि जो है हम जो है 4 साल क्या कि हम समझ लेंगे 20 साल से भी हम लगे हुए हैं, हम जो है टीम को बनाते नहीं हैं। आपके पास टीम ऑटोमेटिकली बन जाती है। बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमने कोई तब्दीलियां ही नहीं की हैं अपनी टीम के अंदर। ये आपको मैं एक बार बता देंगे जाना जी, अभी जाना देखें यहाँ पर आपको इंडिया की टीम आपकी बेस्ट टीम आ गई, श्रीलंका की, अफगानिस्तान की, आप यहाँ पर फंस गए, यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर नज़र आ गए कि आपका मिडिल ऑर्डर नहीं है, वहाँ पर तो वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे। हर बंदे हर टीम की जो है सोच चेंज हो जाएगी। देखिए इंडिया की टीम गई है, इंडिया की टीम हार के गई है, अब आप जो है ना उसको वो टीम हार के हारने के बाद जब दोबारा जब आएगी ना आपको वर्ल्ड कप में, आपको बिल्कुल एक नई टीम नज़र आएगी, उसकी उसके पास बैटिंग देखिएगा, उसके पास रिप्लेसमेंट बहुत है, उसके पास अभी उसके उनके 2-3 फास्ट बॉलर जो है बुमराह वगैरह वापस आ जाएंगे, अब देख रहे हैं उनकी टीम कैसी जाएगी। तो हमारे पास रिप्लेसमेंट हमारे पास नहीं है, हमने इन्हीं प्लेयरों पे हमने गुजारा करना है, हमारे पास कोई नया प्लेयर पीछे जो है हमारे पास बैठे हुए नहीं है कि हमने जो है ये लड़का अनफिट हो गया। देखें शाहीन अनफिट हुआ, आप आधी टीम वैसे ही जो है वो बैठ गई कि देना जब हमारा मेन प्लेयर जो है वो बाहर हो गया, उसकी जगह आपने आपके पास बॉलर वो उस लेवल का जो है वो प्लेयर नहीं है कि जो शाहीन को रिप्लेस कर सकते, 19-20 भी नहीं है बल्कि 19-17 है। तो हमें चाहिए कि हमें जो है ना टीम बनानी है तो हम जो है जो डोमेस्टिक कायद अजम ट्रॉफी होती है उससे जो है बेहतरीन बैट्समैन भी लें और बेहतरीन बॉलर भी लें, तभी जो है हमारी टीम। अगर आप इसी तरीके से नज़रअंदाज करते रहेंगे जो प्लेयरों ने कायद अजम ट्रॉफी में रन किए होंगे, जिन प्लेयरों ने कायद अजम ट्रॉफी में बॉलिंग अच्छी की होगी, आप उनको नहीं खिलाएंगे तो आपकी टीम का यही हाल होगा, यही 30-40 लड़कों के गिर जो है आप जो है घिरे रहेंगे और आपके पास नया प्लेयर आएगा नहीं। अभी आप देख लें कि शुएब चला गया, आपके पास जो है मिडिल ऑर्डर ख़त्म हो गया, अब आप देख लें कि अभी जो है आपके पास जो है मिडिल ऑर्डर में प्लेयर नहीं है। जब हम जैसे लोग यहाँ टीवी पे बैठ के तबसरा कर रहे हैं और सब चीज़ देख रहे हैं कि आपके पास प्लेयर नहीं है, तो ये जो सिलेक्टर हैं इनके समझ में ये नहीं आ रहा कि जितनी भारी सैलरी ले रहे हैं इनको क्यों नहीं नज़र आ रहा कि जो है कोई जो है ना आपके पास मिडिल ऑर्डर में प्लेयर नहीं है। बहरहाल जो है ना हमें यही सोचते हैं, अगर आपने मतलब कि हम हमेशा वर्ल्ड कप या कोई भी चैंपियन ट्रॉफी हारने के बाद हम कहते हैं जी अभी हम जो है टीम को नया बनाएंगे, हमेशा हर बार ऐसा होता है मगर हम लोग जो है ना अपनी टीम को बनाते नहीं हैं। फिर ये अभी आप देख रहे हैं कि इसमें ये आपको नज़र आ रही है कि ये टीम बनी नज़र आ रही है। मज़र साहब दो ओवर का अख्ताम हो गया, 16 रन श्रीलंकन ने बना लिए हैं और इस ओवर में हम देखें तो 12 रन बने हैं और यकीनन इस हसनैन काफ़ी महंगे साबित हुए। जावेद साहब क्या कहेंगे? वही देखें, उन्होंने स्टार्ट वाइड बॉल कराई, वाइड बॉल के बाद उन्होंने दो बाउंड्रियाँ खा ली। भाई तो लैन वही बात वही लैन पे नहीं खिलाएंगे तो आपको रन्स लगेंगे, आपको पता दायरा है, उन्होंने ज़रा सा पुश भी कर रहे हैं तो आपको तो बाउंड्री निकल जा रही है, भाई दायरे क्रॉस करना है। तो जैसे नसीम शाह ने ओवर कराया, पहली वाइड कराई, उसके बाद उन्हें लैन और लेंथ मेंटेन कर ली, तो हसनैन भी हो सकता है अगले ओवर में मेंटेन करे। वही सारी टाइम तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, हमने टाइम लगता है, ये जैसे जैसे इसको टाइम लगेगा ये अच्छी बॉल कराना शुरू कर दे और प्लस पॉइंट इसको अगर एक विकेट मिल जाती है तो फिर ये और लाइन अच्छी पड़ रहा है, नहीं तो ये वाइड पे वाइड कराता रहेगा, इसके साथ है ये इशू।
बिल्कुल रियाज साहब, एक्स्ट्रा के हवाले से क्या कहेंगे कि हमें तो काबू पाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह हम एक्स्ट्रा इस मैच के अंदर भी देते हुए नज़र आ रहे, पहले नसीम शाह फिर मोहम्मद हसनैन। देखिए इस मामले तो रन्स के जो एक्स्ट्रा हैं इस मामले में हम बड़े फ्राकदिल हैं और दूसरी टीमों को हम बड़ा मतलब एकोमोडेट और फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन बात यही है कि देखें ये मौका मतलब कि टीमों की मतलब दिनों में बहुत कम आते हैं कि आप फाइनल में पहुंच गए हैं और सिर्फ आपको जो है अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करना है, अपनी सलाहियतें जो है बरकरार लानी है। और जिस तरह से अभी जावेद साहब बात कर रहे थे कि जिस तरह से हसनैन ने गेंद की है, और मैं जैसे पहले बात कर रहा था कि देखें ये मैचेस ऐसे होते हैं कि इसमें आपको रन्स कंटेन करने की ज़रूरत है, आप विकटों पे गेंद कराएं। मुझे इस मौके पे हमारे वो बॉलर याद आते हैं अब्दुल रजाक और दूसरे आकिब जावेद, वो ऐसे बॉलर थे कि जब इस तरह के मौके होते थे तो वो मतलब विकटों पे गेंद किया करते थे, यॉर्कर मारा करते थे, रन्स कंटेन किया करते थे। और T20 मैचेस में तो आपको रन्स ही कंटेन करने, जब आप रन्स कंटेन करने की जानिब जाएंगे तो जो बैटर होता है वो फिर झुंझला के स्ट्रोक खेलता है। यकीनन जब आप विकटों में गेंद करेंगे तो उसके लिए गेंद को स्ट्रोक लगाना जो है मुश्किल होता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मजा साहब बड़ी ज़बरदस्त बॉल की नसीम शाह ने विकटों पे, जिस तरह रियाज साहब कह रहे हैं कि बीट किया बैटर्स को, लेकिन थोड़ी सी लेग की तरफ मिस करती हुई बॉल दिखाई दे रही थी, तो नसीम शाह तो कुछ हद तक अब तक जो है अच्छी बॉल करते नजर आ, चौका लग गया नसीम को। देखें जरा ये अटैकिंग प्लेयर हैं, अभी आप ये देख लें कि पहले ओवर में विकेट गिरने के बाद भी उन्होंने दूसरे ओवर में उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको जो है तीन तीन चौके अभी तक लगा चुके हैं, वो प्रेशर भी नहीं आए। प्रेशर देखें, आपको प्रेशर में आपको रखना है दूसरी टीम को, मगर श्रीलंका ने जो है विकेट गिरने के बाद प्रेशर लिया ही नहीं है, उसने वही अपना नेचुरल गेम खेलने। देखें प्लेयर जो है ना, देखें मेंटली तौर पर जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा जो है टीम के लिए कारामद होगा। देखें हमारे यहाँ तो ये होता है कि हम जो है क्या करते हैं कि जी फॉर एग्जांपल बाबर आउट हो गया, हम हमारी टीम वैसे ही बैठ जाती है, यार बाबर आउट हुआ है आप तो आउट नहीं हुए, अब बाबर जैसे ही प्लेयर आप भी हो ना, आपको भी वैसे ही चांस मिल रहा है, तो आप वो परफॉर्मेंस दो जो कि जो है ना पाकिस्तान को चाहिए होती है। हम जो है एक दूसरे के ऊपर कर रहे थे कि बल्कि हम तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ड्रेसिंग रूम में बैठ के हम कहते हैं कि ये आउट ही नहीं हो, मेरी बारी ही नहीं आए, अगर मेरी बारी आ गई मैं आउट हो गया तो जो है ना मेरा क्या होगा बाद में। तो हमें परफॉर्मेंस देनी चाहिए, और जिस तरीके अगर अभी हमने इसको प्रेशर में लिया हुआ है तो इसको प्रेशर में ही रखना चाहिए। अगर ये आप ये समझ लें कि अगर दो चार ओवर अगर ये लड़के आउट नहीं हुए इन इन प्लेयरों में से, तो ये खुल के खेलेंगे। बिल्कुल खुल के खेलेंगे। जावेद भाई जिस तरह हम देखते हैं कि जहां पर चौके भी लगाते श्रीलंकन बैटर्स नजर आ रहे हैं, वहां पर सिंगल डबल पर भी उन्होंने अबूर हासिल किया हुआ, सिंगल डबल्स भी लेते जा रहे हैं। क्रिकेट की खूबसूरती है इरोटेट करना, स्ट्राइक बाउंड्रियाँ तो आ रही हैं। अब देखिए ना, हमारा प्लेयर अगर आता है इस सिचुएशन में, उसने आके पहले पाँच छः उसने बॉलें रोकनी है कि मैं बल्ला सीधा कर रहा हूँ, वो कंटिन्यू आएगी। या ऑस्ट्रेलियन स्टाइल से खेलते हैं, जाहिर है उन्होंने भी प्लान बनाया होगा कि टॉस आने के बाद हमें क्या करना है। अभी डिसल्वा खड़ा, आपको पता है डिसल्वा जब तक खड़ा रहा तो ये रन करता ही रहेगा। और अभी देखिए एक बाउंड्री मारी नसीम शाह ने, बिल्कुल बॉल भूल गया कि मैंने कहाँ कराई, आगे करा दी उसने बाउंड्री लगाई, फिर दूसरी बॉल भी लेग साइड की तरफ निकलवा दी। तो यही है वो बात हुई है रियाज भाई अली के एक्स्ट्रा में हम बहुत फराग दिल हैं, जितने मर्जी है ले लो, ये चक्कर चल रहा है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल चक्कर चल रहा है यही ज्यादा कि एक्स्ट्रा की सूरत में जो है रन बनते दिखाई दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पे जो है हमें एक्स्ट्रा पे कंट्रोल करना पड़ेगा। मजर साहब तो हमारे जो वहाँ पर बॉलिंग कोच हैं सकलन मुश्ताक, वो क्या करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि सिर्फ इस मैच में नहीं पिछले मैचेस में भी काफ़ी एक्स्ट्रा रन दिए हैं हमने। नहीं वो सकलन तो खैर हेड कोच हैं, तो जाहिर बात है पहले जो है वो बेहतरीन बॉलर रहे हैं जिंदगी शॉन टेंट जो है वो यकीनी तौर पर उन्होंने इनको जाहिर बात है बैठ के जो जो मीटिंग होती है मैच से पहले और रात में भी मीटिंग होती है, उसमें यही एक चीज़ हमेशा यही की जाती है लाइन और लेंथ में जो है वो कंटेन किया जाए, मगर जो है ना जब ग्राउंड में जब आते हैं ना तो सिचुएशन टोटल चेंज हो जाती है। तो बहरहाल हमारा हमेशा से जो है ना यही राय कि हमने अगर हमारी लाइन और लेंथ सही होगी तो हम जो है रन्स को जो है ना कंटेन कर सकते हैं, रन्स रोक सकते हैं। मगर मुझे जिस तरीके से मैंने जो है तीन ओवर देखे हैं, पिच के अंदर जो है बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर ये फास्ट बॉलर के लिए तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, ये कि रन्स बन रहे हैं, अगर रन्स बनाने वाले प्लेयर होंगे तो रन्स बनेंगे और शॉर्ट लग रही है।
तो ये देना, ये बिल्कुल शॉटे नजर आ रहे हैं, विकेट सीधी नजर आ रही है रियाज साहब, तो यहाँ पर कप्तान को थोड़ा सा जो है बॉलिंग में तब्दीली भी करनी चाहिए, गो के हमारे तीनों फास्ट बॉलर्स जो है थोड़ा सा रन देते ही दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे जो स्पिनर्स है शादाब और मोहम्मद नवाज, किसी एक को इस मौके पर लाना चाहिए? देखें, लगता तो यही कि इस मौके पर जो मतलब सिचुएशन ने अंगड़ाई ली और जिस तरह से है, तो मुझे लगता है कि ये बॉलर जो है चेंज करना चाहिए और करेंगे ये, इसलिए कि देखें जब आपने देख लिया कि आप तकरीबन कम बेस चार या पांच चौके लग चुके हैं चार, तो अब जो है मतलब यकीनन उनको जो है चेंज करना चाहिए। मेरे ख्याल से हारिस की जगह हारिस रऊफ आ गए हैं, देखें ना, तो ये करना भी चाहिए था और उन्होंने किया तो सही किया। देखें ये मैं पहले ही मैंने बात की थी, अभी मैं कह रहा हूँ कि आज का दिन ऐसा है कि हमें अपनी टीम पे क्रिटिसिज्म जो है से हट के मतलब बिल्कुल, और ये दूसरी विकेट भी पाकिस्तान को हासिल हो गई है, श्रीलंकन बैटर्स जो है नाकाम होते दिखाई दिए, हारिस रऊफ ने पाकिस्तान की जानिब से दूसरी विकेट हासिल कर ली है, 23 रन पे पाकिस्तान ने दूसरी कामयाबी हासिल कर ली है। जैसा आप सवाल कर रहे थे ना कि मतलब इसमें चेंज करना चाहिए, आप देखें चेंज किया, आप जब भी वेरिएशन मतलब लेके आएंगे ना तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ऐसे मौके भी मुझे याद आते हैं जावेद मियांदाद जब कप्तान हुआ करते थे और उनकी टीम जो है फंस जाया करती थी, उनको विकेट नहीं मिल रही हुआ करती थी, तो वो क्या करते थे कि विकेट कीपर के पैड खुलवा के उसको बॉलिंग के लिए भेज देते थे और खुद जो है विकेट कीपिंग किया करते थे, यानी वैरायटी लेके आते थे कि आप अगर एक जगह फंस गए हैं और आपको विकेटें नहीं मिल रही हैं। अब आप देखेंगे ये सही डिसीजन था, इसका मतलब ये है कि बाबर आजम ने सही वक्त पर सही डिसीजन लिया, और यही कमाल होता है T20 मैच का कि जब आपने देखा कि आपके बॉलर्स को तीन चार चौके लग गए, गो के आपने एक विकेट ली थी और ये देखें सही फैसला आपने किया, तो वो दोनों बैट्समैन जो थे वो उन बॉलर्स के आदी हो गए थे, उन्हें नहीं पता था कि ये जो है किस तरह से गेम करेंगे, आप मतलब वो विकेट लेने में कामयाब रहे। यही हमें कंटिन्यू इसी चीज को मैनेज करना होगा, इसी को आगे लेके चलना है। मदर साहब भरपूर तौर पर जो बैटर्स हैं श्रीलंकन वो पावर प्ले का फायदा उठाना चाह रहे थे, थोड़ी सी बॉल जो है अंदर की तरफ आई और ऊपर की तरफ शॉट खेलने गए, लेकिन जो है बॉल ऊपर की तरफ गई और फील्डर ने बड़ा उम्दा कैच लिया, तो समझते हैं कि इस मौके पर अब तक थोड़ा सा कंट्रोल जरूर है हमारे बॉलर्स को। देखें जिस तरीके की ये इस बॉल पे भी आउट हुए, देखें बॉल जो है ना लाइन में थी और थोड़ी सी आउट, थोड़ी सी बॉल जो है ना थोड़ी सी बाहर निकली जिस पे जो है वो पूरा उसके बैट पे बॉल नहीं आई। हमेशा यही होता रहा है और हमेशा उसी वक्त जो है हम जो है कोई भी टीम मैच जीत सकती है जब तक आपको जो है जितने भी बॉलर हैं आपके फास्ट बॉलर जो हैं वो लाइन और लेंथ अगर पे बॉल करते रहेंगे तो हिट मारना इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि जो है ना जब आप जब तंग हो जाता है बैट्समैन के मुझे बॉलर जो है ना किसी जगह पे भी जो है ना जो चांस नहीं दे रहा, तो वो आपकी अच्छी बॉल को भी वो मारने की कोशिश करेगा, जब वो मारने की कोशिश करेगा तो यकीनी तौर पे जो है ना जो है ना आउट होगा। देखिए 20 ओवर का मैच है, 20 ओवर के अंदर जो है आपने सारी चीज़ें अपनी जो आपके जो बेस्ट होगा वो आपने उसको यूज़ करना है, तो उनकी भी यही स्ट्रेटेजी है कि जो है किसी भी तरीके से जो है जो हम जो है पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं उनको भी इस चीज़ का बिल्कुल 100% श्योरिटी है और उन्होंने भी बैठ के किया पाकिस्तान की जो बॉलर हैं वो बेस्ट अटैक है, बेस्ट अटैक है। वो जावेद साहब अभी आपने बॉल देखी, आउट स्विंग बड़ी ज़बरदस्त की हारिस रऊफ ने, तो समझते हैं कि हम इग्नोर करते जा रहे थे काफ़ी अरसे से हारिस रऊफ को, लेकिन अब परमानेंट मेंबर हैं वो पाकिस्तानी टीम की और बड़ी अच्छी परफॉर्म भी करते दिखाई दे रहे हैं, हारिस रऊफ के हवाले से क्या कहें? शहजादे भाई ये हारिस रऊफ की वजह से वेरिएशन जो है दूसरे लड़के भी इस्तेमाल करने लग पड़े, नसीम शाह भी वेरिएशन इस्तेमाल कर रहा है, हसनैन भी कर रहा है, इवन के शाहिन शाह भी कर रहा है। ये बहुत अच्छा बॉलर है, ये लाहौर कलंदर ने आपको प्रोड्यूस कर कर दिया है, और देखिए आपको उस स्टेज पर उसने विकेट दी थी जहाँ रन का फ्लो शुरू हो रहा था, और एक सबसे अच्छा साइन जो है ये जो बाबर आजम ने कैच पकड़ा है ये कोई आसान कैच नहीं बिल्कुल, था थोड़ा सा मुश्किल ये था। अच्छा साइन ये है कि बाबर ने कैच पकड़ा है, हाँ रनिंग कैच था, और हो सकता है कि आज बाबर का दिन भी हो और बाबर आपको स्कोर भी कर दे, और माशाल्लाह हारिस रऊफ आपको पता है थ्रू आउट टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग करवा रहा है, असल वेरिएशन ही हारिस रऊफ करवाता है। ये जो विकेट लिए है ये भी गोल्ड लाइन से अंदर लेकर आया, बॉल बाहर नहीं निकाली, उसके बाद देखें उसने बैट्समैन को कैसे रिसीव कर दिया, बाहर निकाली स्लो करके, तो ये फन है। और अब तो बकौल रियाज भाई के अब तो बाबर ने जो जो प्लान किया है वो मेरे ख्याल बिल्कुल सही उस पर चल रहे हैं, तो अब कोई दो राय नहीं है कि हमें आप ये कप जीत कर देंगे,
आया कि कोई दो राय नहीं है रियाज साहब, आपकी बात से इत्तेफाक करते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूं कि बिल्कुल जावेद साहब के मुंह में घी शक्कर भाई, अगर हमारी पाकिस्तान की टीम मतलब एशिया कप जीती है तो इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है कि मतलब ये कि हमने इंडिया को भी शिकस्त दी और उसके बाद फिर आपने देखा हमने दूसरी टीमों को भी शिकस्त दी और श्रीलंका से जो हम शिकस्त खाए थे उससे हमने यकीनन सबक सीखा होगा। और मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो हमने श्रीलंका के खिलाफ इससे पहले मैच में शिकस्त खाई थी, मुझे लग ये रहा है कि हमारे प्लेयर्स और हमारी जो मतलब ये थिंक टैंक थी या जो हमारे ऑफिशियल्स थे उन्होंने इसको एक एक चीज़ को माइन्यूटली बड़ा संजीदगी से लिया और उस पर काम किया है और ये आज हमें वो काम जो है नज़र आ रहा है। लेकिन मैचेस जो इस तरह के होते हैं चौके छक्के तो लगते हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ गेम, वो तो खेल का हिस्सा है, लेकिन चीज़ ये है कि आप जिस माइंड के साथ ग्राउंड के अंदर आए हैं और जिस तरह से आपको कामयाबी मिल रही है उसको आपने कंटिन्यू रखा है, उसको आपने मैनेज करना है और अपने हमेशा मतलब कि खासतौर से T20 में मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि आपको अपने आसाब पे काबू रखना है। अगर थोड़ा सा भी आप मतलब ये कि जज्बाती हो गए या गैर संजीदा आपने रवैया अख्तियार किया तो आप फिर इन मैचेस में कंट्रोल नहीं कर सकते। चार ओवर में 29 रन रियाज साहब हो चुके हैं और दो खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। देखिए रन्स का जहां तक ताल्लुक है उन्होंने रन्स मेंटेन किए हुए हैं इसमें, मतलब ये 29, 30, 40 और वो एक ऐसी टीम है कि वो 50 रन भी बना लेती है 5 ओवर में, लेकिन 29-30 रन भी बुरे नहीं है 4 ओवर में, 5 ओवर में वो और उन्हें बड़ा नुकसान 2 विकेटों का हो चुका है, 2 विकेटों का उनको नुकसान हुआ है। लेकिन बात यह है कि देखें रन्स तो कम से कम वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 15 या 20 रन में उनकी 2 विकेटें गिर गई। विकेटें गिरना बहुत बड़ा नुकसान है खासतौर से ऐसे क्रूशल मतलब एक स्टेज पे फाइनल। मैं पहले बात कह रहा था कि हमें शुरू के जो 5-6 ओवर्स हैं उसी में अपनी चीज़ों को जो है मैनेज करना है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो खेल हुआ है उसमें पाकिस्तान की टीम जो है कमोबेश उस मतलब चीज़ को मैनेज करने में कामयाब रही है। और कम से कम ऐसा नहीं हुआ कि जो शुरू के हमने इससे पहले जो मैचेस खेले थे खासतौर से श्रीलंका के खिलाफ जिस तरह से हमारा उसमें मतलब गैर संजीदा रवैया था, जिस तरह से हम मतलब जो पूरी परफॉर्मेंस थी हमारी वो उस तरह से नहीं है, तो आज हमने बहुत कुछ सीखा है और हमें इसी चीज़ को लेकर कंटिन्यू बिल्कुल इसी चीज़ को लेकर हम कंटिन्यू भी चलेंगे और हम अपने प्रोग्राम को भी कंटिन्यू लेके चलेंगे। इस वक्त थोड़ा सा ब्रेक आएगा स्पेशल ट्रांसमिशन के अंदर स्पोर्ट्स के, तो हमारे जो मेहमान हैं और भी तजिया निगार हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे स्टूडियो में, हम उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे और आज के मैच के हवाले से तजिया भी लेते हुए दिखाई देंगे। तो इस वक्त कुछ देर के लिए जो स्पेशल ट्रांसमिशन से हमें इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदा। खुश आमदीद एक दफ़ा फिर जो है स्पेशल ट्रांसमिशन विनस स्पोर्ट्स में। जिस तरह हमने ज़िक्र किया था कि इस स्पेशल ट्रांसमिशन में हम मुख्तलिफ तजिया निगार से मज़ीद स्टूडियो में मुलाकात भी कराते रहेंगे, तो इस वक्त जो सूरत हाल है श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच की, 10 ओवर में श्रीलंका ने 67 रन बनाए हैं, उनके 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं, तो हमारे जो स्टूडियो पर तजिया निगार जो मज़ीद आ गए हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करते हैं। हमारे साथ जो है मौजूद हैं हसन अली मुराद साहब, उनके साथ साथ मौजूद हैं जाफ़र हुसैन साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इनसे भी बात करेंगे मैच के हवाले से। सबसे पहले जाफ़र साहब आपके पास आते हैं, क्या कैसा देख रहे हैं अब इस सिचुएशन में और क्या समझते हैं कि कितना टारगेट सेट करती हुई दिखाई देगी श्रीलंकन टीम? देखिए श्रीलंकन टीम जब से बैटिंग कर रही है उसने स्ट्राइक रेट जो है ना वो अपना कंटिन्यू रखा हुआ जो पहली बॉल से चल रहा था, इवन आउट भी हो रहे हैं प्लेयर्स उनके लेकिन वो अपने स्कोर को नहीं रोक रहे, सिंगल डबल चौके छक्के, छक्के तो नहीं लगे लेकिन चौके ज़रूर लगे हैं। तो इसमें यह है कि ये समझ लें कि आप जो एग्रेशन एक खेल का जारी है ना और जो अटैकिंग गेम चल रहा है उनसे वो नज़र आ रहा है कि वो बैट्समैन भी अटैकिंग गेम खेल रहे हैं, इवन ये कि बाबर आजम ने जो है ना वो भी अटैक उन्होंने करवाया, तो दोनों टीमों के दरमियान जो है ना इस टाइम अटैक कर रहे हैं, वो बैट्समैन जो है ना वो रन्स बनाने के चक्कर में है और जो विकेटें गिर रही हैं वो भी इसी वजह से गिर रही हैं। और बाबर आजम ने जिस तरह कंटिन्यू करवाया अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया वो नो डाउट बहुत अच्छा था। एक हैरानकुन फैसला आज फाइनल में हो गया जो कि इफ्तिखार अहमद को वो लेकर आए, गो कि उन्होंने कामयाब हुआ है जाफर साहब, नो डाउट कामयाब तो हुआ लेकिन इस सिचुएशन में जो लाने का क्या असबाब थे क्या वजह थी वो दिखाया भी उन्होंने इफ्तिखार अहमद ने, एक विकेट लेकर और अच्छी बॉलिंग की।
तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या चांसेस हो सकते हैं। हालांकि विकेट में जो है, अगर आप विकेट की बात करें तो थोड़ा सा मुश्किल विकेट है, और ये फाइनल जिस विकेट पे हो रहा है ये नई विकेट बनी हुई है, इससे पहले कोई मैच यहाँ पे नहीं हो सका है। तो इस विकेट पे जो है ना, वो कमेंटेटर ने भी यही कहा उस टाइम जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इस विकेट पे जो रीड कर लेगा इस विकेट को, वो जो है ना कामयाब हो जाएगा। मुझे लगता है कि दोनों ने एक ही तरह से रीड किया है, इनके कोचिंग प्लान ने भी, क्योंकि दोनों अटैक पे लगे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये स्कोर जो है ना 150 प्लस ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 5 आउट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि 150 प्लस जाएगा। बिल्कुल 150 तक प्लस जाएगा। हसनैन साहब, आप बाकायदा तौर पर डायरेक्टर हैं राइजिंग स्टार स्पोर्ट्स क्लब के, और किस तरह आप देखते हैं इस मैच को? हम देखते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, 78 पे 5 आउट हैं श्रीलंके, हैरान गुन, जिस तरह जाफर साहब कह रहे थे कि बाबर आजम ने एक हैरान गुन फैसला किया इफ्तिखार अहमद को लेकर आने का, और उन्होंने जो है बॉलिंग में विकेट भी हासिल कर ली, तो समझते हैं तजुर्बात का फ़ायदा ज़रूर होता है T20 क्रिकेट के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरह ये फॉर्मेट छोटा है और इसके अंदर नए टैलेंट की बहुत ज़रूरत है, अब इफ्तिखार का इस मैच में बॉल करना बहुत ही मुस्बत तरीके से साबित हो सकता है आगे के मज़ीद मैचेस के अंदर भी। और जैसे कि जाफर भाई ने भी कहा कि बहुत ही सही फैसला साबित हुआ, और इन्होंने विकेट भी निकाली और बॉल भी जगह पे कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, बिल्कुल लाइन और लेंथ को मेंटेन किए हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है बाबर आजम की तरफ से भी कि नए बॉलर को लेके आना, बिकॉज अगर आप स्क्वाड को देखें तो एक बहुत ही हम भी एक अनप्रडिक्टेबल सा एक फैसला था, बिकॉज हम 5 बॉलर्स नवाज, शादाब, नसीम, रऊफ़ और हसनैन के साथ बैठे थे, लेकिन इफ्तिखार का आ जाना श्रीलंकन्स के लिए भी उतना ही शॉकिंग है जितना कि हमारा यहाँ पर बैठे हुए शॉकिंग है। अच्छा हसनैन साहब, अब तक हम देख रहे हैं कि 11वें ओवर जारी है, और जो हमारे जो अगर स्पिनर्स में देखें तो बड़ा की रोल अदा करते हैं मोहम्मद नवाज़, अब तक कप्तान उन्हें नहीं लेकर आए। नवाज़ का ना आना मे भी, जिस तरह मैंने कहा कि इफ्तिखार को लेकर आना एक अनप्रडिक्टेबिलिटी क्रिएट करना बैट्समैन के लिए भी, बिकॉज नवाज़ एक लेफ्ट आर्म बॉलर हैं और वो जिस तरह की बॉल करते हैं, शादाब एक तरह की बॉल करते हैं, और एक इफ्तिखार एक नए बॉलर का होना एक बहुत ही मुश्किल क्रिएट कर रहा है श्रीलंकन्स के लिए। तो मे बी नवाज़ को उन्होंने टेल एंडर्स के लिए रखा हुआ है कि मे बी वहाँ पर वो फास्ट बॉलर्स के साथ एक मिक्स करके स्पेल चलाएं। बिल्कुल स्पेल चलाएं। मज़र साहब है, नवाज़ के हवाले से मज़ीद बात कर लें, क्योंकि हमारे की स्पिनर के तौर पर माने जाते हैं मोहम्मद नवाज़, ना आना अब तक, कप्तान की क्या प्लानिंग होगी? देखें, हर एक की अपनी अपनी राय है, मगर मेरी राय ये है कि जो है ना, अगर आपके पास जो बेस्ट अवेलेबल जो है ना, आपके पास जो स्पेशल बॉलर हैं उनको लगा के इस टीम को ख़त्म कर देना चाहिए। आप क्यों 20 ओवर तक जा रहे हैं? अगर जो है ना, देखें नवाज़ जो है ना, आपका जो है टाइम पर पार्ट टाइम बॉलर नहीं है, आपका जो बैट्समैन जो है ना प्लस बॉलर नहीं है, वो बॉलर प्लस जो है ना बैट्समैन है। इस वक्त आपको चाहिए कि इस वक्त जो है ना, आपको अपने बेस्ट बॉलर लगा के इस टीम को वो जो प्रेशर डालना है वो प्रेशर डाल के इसको ख़त्म करें, ना कि आप उनको चांस दे रहे हैं। इस वक्त आपके 80 रन बना दिए हैं 12 ओवर में, तो इसका मतलब ये है कि मैच को लंबा, देखें उनकी तो प्लानिंग ये है कि मैच को 20 ओवर तक पूरा लंबा करें, ताकि जो है ना हमारे पास जो है ना 140 150 160 रन सकते, जहाँ पर 150 से रन आपके ऊपर चढ़े नहीं और आपके ऊपर प्रेशर पड़े नहीं, क्योंकि आपकी बैटिंग लाइन में उनकी बैटिंग लाइन में बहुत फ़र्क है, आपकी बॉलिंग में उनके पास जो है ना स्पिनर बहुत अच्छे हैं, आपके पास बैटिंग में डेप्थ उस तरीके से है कि ठीक है जी, आपके पास बॉलर ऑलराउंडर आपके पास हैं, ऑलराउंडर आपके पास, आपकी टीम ऑलराउंडर पे खेल रही है, मगर आपके पास मुस्तनद जो बैट्समैन है वो सिर्फ आप अभी तक जो है जो तीन आपके पास जो बैट्समैन है ओपनर और वन डाउन जो सामने नज़र आ रहे हैं, उसमें से दो जो बैट्समैन है अभी तक आपके रन नहीं करके दे रहे, सिर्फ उसमें से भी रन रिजवान कर रहे हैं। तो मैं इसे समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना लाइन, इस वक्त आपको इनिंग्स को लंबा करने के बजाय आप इनिंग्स को छोटा करें, ताकि आप अपने बैट्स बॉलर लगा के, नसीम शाह ने जैसे 2 ओवर किए हैं अभी, जो जिस तरीके से शादाब ने 3 ओवर कर लिए, इसके साथ साथ आपको जो है ना लगा के आपको जो है ना टीम को जो है ना और प्रेशर में रखना चाहिए, ना कि आप टीम को लंबा करें, मैं ये समझ ना कि लंबा करें इनिंग को। जिस तरह रियाज साहब आप कहते हुए नज़र आए कि पहले स्पेल के अंदर हमारे के 130-140 के अंदर जो है इस टीम को रोकना पड़ेगा, और इस वक्त जो सूरत हाल है अब तक हमारे बॉलर्स ने बड़ा कंट्रोल किया हुआ है श्रीलंकन बैटर्स को, लेकिन अब श्रीलंकन बैटर्स जो है थोड़ा सा खुलकर खेल रहे हैं, तो समझते हैं कि इस रन पर जो आपने टारगेट सेट किया है उस पर हम काबू पा लेंगे। देखें, जिस वक्त ये मैच स्टार्ट हुआ था तो श्रीलंकन टीम के लिए पूरा मतलब मैच ओपन था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बॉलर्स थे उन्होंने बड़ी नपी तुली और बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग का मुजाहरा किया, क्योंकि रन्स भी बनते हैं, रन्स तो अभी भी बन रहे हैं,
लेकिन दूसरी जने आप ये देखें कि हम जो बात कर रहे थे ना कि बॉलर्स को ले आना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए जैसा कि मज़हर साहब ने कहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी तक बाबर आजम ने जिस तरह से अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया वो बिल्कुल उन्होंने सही मतलब इस्तेमाल किया, न सिर्फ सही इस्तेमाल किया बल्कि जिन बॉलर्स को वो लेके आए उन्होंने भी सही आपको रिस्पॉन्ड दिया है, उन्होंने विकटें ली हैं जिस तरह से इफ्तिखार को लेके आए और उन्होंने जो विकेट ली है, तो ये जो है आज के मैच की सबसे मतलब ये टर्निंग पॉइंट था। बाकी रह गई बात कि जैसे अब नसीम शाह दोबारा आ गए हैं, जैसा कि अभी मज़हर भाई बोल रहे थे तो नसीम शाह दोबारा आ गए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है अपने इसी मतलब जो जिस तरीक़ाकार से हम चल रहे हैं हमको इसी तरीक़ाकार से चलना चाहिए। देखें जो मतलब श्रीलंकन बैटर हैं वो भी आपके लिए इतने आसान नहीं है, वो तरने वाला नहीं है, उनकी भी काफ़ी लंबी मतलब बैटिंग लाइन है, और अगर आप ये देखें कि इतनी विकटें निकल जाने के बावजूद भी उन्होंने अब रन्स जो है स्ट्राइक रेट उसको मेंटेन किया हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी टीम की निशानी है, छोटी टीम नहीं है। जहाँ तक मैंने ये कहा कि ये 140 से 150 तो हमें करना चाहिए, और अगर हम नहीं कर सके तो ये हमारे लिए मुश्किल होगी। रह गई बात ये कि आपको बिल्कुल अपने जो है नवाज़ को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, यही सिचुएशन होती है कि वेरिएशन जो है इस्तेमाल होनी चाहिए, जितना आप मतलब ये वैरायटी पैदा करेंगे उसमें फिर ये कि आपको एक चांस मिलेगा, जब तक आप चांस नहीं लेंगे आप विकटें भी नहीं ले सकेंगे, लेकिन अभी तक तो आप बिल्कुल सही जा रहे थे। दूसरी जानेब देखें श्रीलंका की टीम कोई छोटी टीम नहीं है, वो एक बड़ी टीम है और बड़े मैच की भी बड़ी टीम है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि इतना मतलब ये फाइनल मैच है, इब्तदाई ओवर से पांच दफ़ा एशिया कप जीत चुकी है, पांच दफ़े एशिया कप जीत चुकी है, उनको हमसे कंपैरिजन करें तो एज हासिल है, लेकिन अभी भी इस मैच में भी हालांकि उनकी विकटें जो हैं इब्तदाई ओवर्स में निकल गई थी और अच्छे अच्छे बैट्समैन उनके सारे आउट हो गए, लेकिन आपके पाँच आउट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि रन जो है उसी तरह से बन रहे हैं, तो हमें यहाँ बड़ा माइन्यूटली मतलब ये कि तमाम चीज़ों को अभी भी देखने की ज़रूरत है। गो के अभी तक हमने जिस तरह से बाबर आजम ने कप्तानी की है या हमारी जो बेंच ऑफिशियल जो उन्होंने उनको हिदायत की होगी उसके मुताबिक वो अभी तक बिल्कुल सही बिल्कुल अभी तक पाकिस्तानी कप्तान मुतमईन नजर आते हैं। जावर साहब एक दफा फिर श्रीलंकन बैटर्स बड़े अच्छे बैटिंग का मुजाहरा करते दिखाई दे रहे हैं, गो के 58 रन पर पांच आउट हो गए थे, लेकिन अब देखते हैं कि बड़ी जबरदस्त बैटिंग है और 92 पे जो है पांच ही आउट है, तो जिस किस्म की अब बैटिंग जारी है तवक्को है कि श्रीलंकन टीम जो है 150 से 160 रन का टारगेट बनाने में कामयाब हो जाए। स्कोर तो बन जाएगा, वो तो चल ही रहा है जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी जो है ना इस ओवर के बाद हसनैन के बाद मुझे लगता है कि कप्तान को ये फैसला करना चाहिए कि नवाज को ले आए। 13वां ओवर करवाएगा नवाज, उसके बाद 15 करवाएगा, 17वां करवाएगा और 19वां करवाएगा, क्योंकि हसनैन का ओवर इन्होंने तकरीबन ये 3 कंप्लीट कर जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं जिस तरह चौके लग रहे हैं, मुझे लगता है कि स्ट्राइक रेट जो है ना ओवर रन्स बनता है। जिस वक्त 58 पर आपके 5 आउट हो गए थे उस वक्त अगर मोहम्मद नवाज को ले आते तो क्या समझते उस वक्त? नहीं, असल में एक्चुअली बात यह थी कि लेफ्ट आर्म आया था बैट्समैन, ठीक है, जो कि राजा पाक से खेल रहा था, उसकी वजह से इफ्तिखार को लेकर आए थे क्योंकि राइट आर्म ऑफ स्पिन करता तो लेफ्ट आर्म के आउट होने के बड़े चांसेस होते हैं। लेकिन आपने पिछले 5 मैचेस के अंदर अगर हम देखें तो वहां पर भी हमें तजुर्बात करने थे, लेकिन ये फाइनल में हम तजुर्बा करते नजर आ रहे हैं। देखिए फिलहाल जो फैसला किया है मुझे ऐसा लगता है कि वो फैसला गलत नहीं था, उसने परफॉर्म किया, विकेट भी ली और रन्स भी ज़्यादा नहीं दिए, 15 या 17 रन दिए, इससे ज़्यादा रन्स नहीं दिए, इस हिसाब से अगर देखें तो ठीक है। हाँ, इनके फास्ट बॉलर जो है ना अब देखें रन्स देना शुरू हो गए हैं, जो हमारा फास्ट अटैक है जो कि हम जिससे पहचाने जाते हैं पाकिस्तान, वो रन्स दे रहे हैं, उन पर चौके नहीं रुक रहे, क्यों? क्योंकि वो अटैकिंग गेम खेल रहे हैं। आपके श्रीलंकन बैट्समैन जो है ना वो कोई मौका ही हाथ से जाया नहीं जाने दे रहे, आपके राजा पाकिस्तान जो वो सिंगल डबल चौका, इसके अलावा खेल ही रहा, कोई बॉल मिस ही नहीं हो रही भाई, कोई डॉट ही नहीं खेल पा रहे। बिल्कुल, वो राजा पाकिस्तान के हवाले से ये बात बड़ी मशहूर है कि वो सिंगल डबल और चौके छक्के लगाते रहते हैं जब तक विकेट पे मौजूद रहते हैं। हसन क्या कहेंगे राजा पाकिस्तान? बिल्कुल ऐसे ही है, और ये T20 क्रिकेट फॉर्मेट का उसूल यही है, बिकॉज इसमें बैट्समैन को सेट, बिकॉज तीन तरह के फॉर्मेट, टेस्ट, ODI, T20। अगर आप T20 की बात करें तो इसमें बैट्समैन को सेट होने का टाइम नहीं चाहिए होता, उसमें कॉन्स्टेंटली आपके स्ट्राइक रेट चेंज होनी चाहिए, सिंगल डबल्स होने चाहिए, इसके साथ साथ विकेट्स भी निकाल रहे हैं बॉलर। अगर बैट्समैन की बात करें तो बाउंड्रीज और सिंगल डबल्स तो की फैक्टर हैं हर गेम के अंदर, और T20 छोटे फॉर्मेट के अंदर अगर आप 2 डॉट बॉलिंग पर ओवर दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप 20 ओवर की गेम में अच्छी खासी डॉट बॉल्स दे देते हैं, जिनको अगर आप सिंगल डबल्स में भी क्रिएट करें सो दे कैन पुट अ बिग स्कोर ऑन द बोर्ड। बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो सकती है जिस तरह हसनैन कह रहे हैं, तो जिस तरह हम लेट करते जा रहे हैं मजीद, क्योंकि मोहम्मद नवाज़ को फिर बॉल करने नहीं लाया गया, शादा बॉल करने आ गए, तो समझते हैं कि मजीद ताखीर कर रहे हैं हम नवाज़ को लाने में। मज़हर साहब, मैं समझता हूँ ये सब जो है ना जिस तरीके से श्रीलंका की टीम खेल रही है,
लेकिन इस वक्त 13 ओवर में 104 रन हैं, ये ऐसा लग रहा है जिसको बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं ये। अगर 5 आउट देखें, किसी भी टीम को जब आप बड़ी टीम की ये निशानी होती है कि एक दफ़ा टीम को नीचे लिटा दिया उसको दोबारा उठने का मौका ना दें, मगर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपने एक दफ़ा टीम को नीचे ले गए और श्रीलंका ने अपने आप को वापस लेकर आ गई है, गेम के अंदर आ गई है मुकम्मल तौर पर। इसके मजा साहब पिछले मैच में देखते हैं कि श्रीलंकन बॉलर्स ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की थी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक टीम को अगर बैठा दिया तो फिर उठने का मौका नहीं देते, पाकिस्तानी पिछले मैच में जो है बैठा दिया श्रीलंकन बॉलर्स ने, फिर उठने का मौका नहीं दिया था। तो इस मैच में जिस तरह पाकिस्तान की सिचुएशन थी इसी तरह आज श्रीलंकन सिचुएशन थी, लेकिन आज जो है श्रीलंकन टीम एक दफ़ा फिर ऊपर हो गई, जहाँ पर उसे लॉस रन होना पड़ा था 58 पे 5 होने के बाद, फिर एक दफ़ा 6 रन करती दिखाई दे रही है। देखें मैं यही बार बार ये बोलूँ, देखें यहाँ पर जो है ना मैं ठीक है जो ना कैप्टन ने जो है ना एक जो है चेंज लेकर आ गया और आप इफ्तिखार को लेकर आया, वो इफ्तिखार ने विकेट ले ली, मगर मैं ये समझता हूँ कि जो है ना इस वक्त जो है ना जो आपके जेन्युइन बॉलर आपके स्पेशलिस्ट बॉलर जो थे, जो आपके पास नवाज था, नवाज को आप आखिर में देंगे, आखिर में वो पिटेगा, ये मैं आपको अभी से बता दूंगा। जो है ना अभी जो है ना आखिर वो फिट नहीं है तो हो सकता है कि फिट ना हो, क्योंकि हर कोई जख्मी होता जा रहा है, हर कोई जो है ना अनफिट होता जा रहा है। अगर ये चांस हो सकता है, ये भी चांस हो सकता है, ये मजाक कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ, ये पता नहीं है कि डार्क हॉर्स के तौर पे उन्हें रखा हुआ है क्या है, लेकिन जिस तरह से मजहर भाई ने बात की और भी मतलब बात हुई, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सही वक्त है नवाज को लाने का। देखें यही वो सिचुएशन होती है जब आपने अपने मतलब खेल में वैरायटी पैदा करनी होती है और कोई वेरिएशन लेके आनी होती है, जिस तरह से श्रीलंकन टीम ने मतलब वापस आ गई है, अब मैं समझता हूँ कि उसी तरह से अब पाकिस्तान की खिलाड़ियों पर जिम्मेदारियाँ जो हैं बढ़ती चली जा रही हैं, उनके लिए मैच और क्रूशल होता चला जा रहा है इनके लिए, और ये मतलब ये कि आप समझेंगे सख्त होता चला जा रहा है, इसलिए कि आप खुद मतलब एक चीज़ जो आपने हासिल कर ली थी उससे अब आप अपने आप को खुद दूर कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारा जो अभी तक तो जो कप्तानी की थी उन्होंने वो तो बिल्कुल सही थी, जिस तरह से वो बॉलर्स को लेके आए थे, बॉलर्स ने भी मतलब अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने रिस्पॉन्ड सही किया, लेकिन ये जो एक दो ओवर हैं मैं ये समझता हूँ कि यही जो है आप एक मतलब डिफरेंस जो है साबित होगा पाकिस्तान और कंपैरिजन करें अगर श्रीलंका के दरमियान, तो अब मैं समझता हूँ कि इनको जो है लेके आना चाहिए, और अगर ये नहीं लेके आएंगे तो अपने लिए जो है मुश्किलात पैदा करेंगे। फिर जहाँ तक रह गई बात कि हमारे खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल जो है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो मियार नहीं जो होना चाहिए, तो हमारे अभी ये देखना होगा कि जब हम बैटिंग के लिए आएंगे तो हमारे जो बैटर्स हैं उनको गेंद जो है कितनी अच्छी तौर पे नज़र आती है और वो उसको किस तरह से स्ट्रोक खेलने काबिल होते हैं, इसलिए कि श्रीलंकन जो बॉलर्स हैं या पूरी टीम जो है उसका। लेकिन इसमें तो रियाज साहब जाफर साहब कह रहे हैं कि आज जिस विकेट पर मैच है, ये पहली दफ़ा इस विकेट पर मैच हो रहा है, तो यकीनन रीड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है दोनों ही कप्तान को, सब अटैकिंग पे जा रहे हैं। देखें बिल्कुल ये जितने भी मतलब इस तरह देखें ये है प्रोफेशनल टीम, प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, इनको सबको मतलब ये मार्जिन और प्रोविजन लेके चलना होता है। अगर ये विकेट दोनों के लिए नहीं है तो यकीनन उनको फिर उसी तरह से उसको एड्रेस करना है, उसी तरह से लेके चलना है, दोनों टीमों के लिए नहीं है तो दोनों अब देखना होगा किसकी एक्सपर्टीज़ जो हैं ऐसी विकेट पर काम करती हैं ज़्यादा हैं, और वो मतलब अपनी एक्सपर्टीज और उनका जो एक्सपोजर है इस पे अपने एक्सपीरियंस को किस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल किस तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं जाफर साहब है। अगर 160-170 रन होते हैं तो गो के हमारे जो जो बैटर्स हैं खासकर हमारे जो ओपनर्स मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम और फखर जमान वन डाउन पोजिशन पर आते हैं, तो जिस तरह फॉर्म नहीं लगी हुई है फखर जमान की, तो मुश्किलात हमें बड़े टारगेट के चेस करने में तो आ सकती है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर पर बड़ी भारी जिम्मेदारी हो जाती है। फिर हम देखते हैं टेलेंडर्स जो हैं वो हमें मैच निकाल कर देते हैं। देखें बात यह है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो बाबर आजम की एक ही हिकमत अमली हम देख रहे हैं जो पूरे मैच में देख रहे हैं, वो दोबारा फास्ट बॉलर को लेकर आ गए हैं और दोबारा अटैक शुरू कर दिया है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि नवाज़ को नहीं ला रहे, अब ये क्यों नहीं ला रहे ये तो खैर टीम मैनेजमेंट ही बता सकती है, कप्तान ही बता सकता है कि किस वजह से, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से अटैक हो रहा है, बैट्समैन नहीं छोड़ रहे, किसी मौके पे जो है ना कोई बॉल नहीं छोड़ रहे, हिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ये देखें छोटे छोटे सिंगल डबल बहुत ही क्लोज रन ले रहे हैं, तो ये एक चीज़ निशानी है श्रीलंकन टीम के कि उनमें उनमें जो कोऑर्डिनेशन है वो कितना अच्छा है।
आप सारे मैचेस देख लें, पहले मैच हारने के बाद जो है ना जिस तरह श्रीलंकन टीम उठी है वो सबके सामने है कि जिस तरह उन्होंने कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया उनके, इसीलिए मैं बात कर रहा था कि इनका हर प्लेयर जो है ना वो जिम्मेदारी लेता है और हर मौके पे आके बैटिंग कर रहा है। तो एक बैट्समैन नहीं होता कि 60-70 रन बना ले और टीम उस पर जीत जाए, नहीं, सब परफॉर्म कर रहे होते हैं, सब 30-35, 30-35, 40 रन बना रहे होते हैं, इसी तरह टीम का स्कोर भी बढ़ रहा होता है। बिल्कुल जाफर साहब, टीम का स्कोर भी बढ़ता दिखाई देता है। इस वक्त 106 रन है श्रीलंकन टीम के और 5 खिलाड़ी आउट है। तो यकीनन अभी हमें छोटा सा एक ब्रेक लेना है, जो प्रोग्राम है जारी है, तो प्रोग्राम के बाद हम वापस आएंगे तो मजीद अपने गुफ्तगू को जो है इस स्पेशल ट्रांसमिशन में जारी रखेंगे। वेलकम बैक विनस स्पोर्ट्स स्पेशल ट्रांसमिशन। फाइनल मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जारी है, जहां पर श्रीलंका ने अपने मुकर्रर 20 ओवर्स में जो है 170 रन स्कोर किए और पाकिस्तान को 171 रन का टारगेट दिया। इस मैच के अंदर राजापक्षे ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, 71 रन की शानदार बल्लेबाजी की है। और जिस तरह हमारे जो मेहमान हैं तजिया निगार हैं, जाफर साहब से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि जिस वक्त 58 पर 5 खिलाड़ी श्रीलंका के आउट हो चुके थे तो उन्होंने ये कहा था कि 160 प्लस रन स्कोर होंगे। तो पहले जाफर साहब के पास ही जाते हैं। जाफर साहब, प्रेडिक्शन आपकी सही होती दिखाई दी, 160 से प्लस रन आपने कहा था। अब क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी बैटर्स जो एक वक्त ऐसा महसूस होता था कि पाकिस्तानी टीम 120-130 पर जो है श्रीलंकन बैटर्स को आउट करने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन एक अच्छा स्कोर टी20 के फाइनल में 170 और 171 रन का टारगेट है, कैसा देखते हैं कि पाकिस्तानी बैटर जो सिर्फ इस वक्त जो अगर देखेंगे फॉर्म के लिहाज से अगर बात करें तो मोहम्मद रिजवानी इन फॉर्म बैटर्स के तौर पर नुमाया नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी टीम के अंदर, टारगेट चेस करना कितना आसान लगेगा? देखिए, सबसे पहले तो दाद देनी पड़ेगी भनुका राजापक्षे को, क्योंकि उन्होंने 71 रन्स बनाए और तकरीबन आधा स्कोर तो इनका है, बाकी 100 रन बाकी टीम के खिलाड़ियों ने बनाए। नो डाउट जिस तरह की इनिंग्स खेली उन्होंने, शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था कि जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे, नो डाउट आउट क्लास उन्होंने जो है ना स्टाइलिश बैटिंग की। ये नहीं कह सकते कि जिस तरह छक्के मारे हैं, आप देख सकते हैं कि क्या क्वालिटी थी उनकी। इवन ये कि पाकिस्तान के आप देखें थोड़ा सा शादाब खान अंडर प्रेशर हो गए, उनसे कैच भी छूटा, हालांकि बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे थे। और ये भी है कि बॉलिंग उन्होंने जिस तरह पहले करते थे वो थोड़ा तेज़ तेज़ मारते थे, तेज़ बॉल नहीं कर रहे थे, वो बड़ा फ्लाइट से बॉल कर रहे थे, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे शादाब खान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी फील्डिंग जो है ना वो बड़ी नाकिस रही। और जो बाकी जो है जो फास्ट बॉलर थे उन्होंने भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन ये था कि राजापक्षे को अगर आउट कर देते तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा स्कोर नहीं होता, इतना बड़ा स्कोर नहीं होता राजापक्षे को आउट कर देते। तो रियाज साहब के पास आते हैं। रियाज साहब, हमने देखा कि इसमें कप्तानी का बड़ा अमल दखल रहा, जब हमने देखा कि मोहम्मद नवाज सिर्फ एक ओवर उनसे कराया गया और 3 रन उन्होंने दिए एक ओवर, कप्तान जो अपने फैसले ग्राउंड्स के अंदर करते दिखाई दिए, मुतमईन नजर आए आपके आपके मेन स्पिनर्स मोहम्मद नवाज से सिर्फ एक ओवर कराया गया? शहजादा मोइन, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है, बल्कि मैं ये कहने भी वाला था कि इसमें जो है हमारे कप्तान बाबर आजम, जो इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया क्रिकेट के बहुत बड़े बैटर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है और उनके क्रेडिट पे बड़े रन्स भी हैं, कई दफ़े उन्होंने टीम की जितमाने में भी अहम किरदार अदा किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो तारीखी दिन है और पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुँची, टॉस जीती और शुरू में ऐसा लग रहा था कि उनके डिसीजन सही जा रहे हैं, लेकिन ये जो इतने सारे रन्स बने 171, ये मैं समझता हूँ कि हमारी कैप्टनशिप का फेलियर है, हमारे सीनियर खिलाड़ियों का फेलियर है। गो के हमने दो चांस जो कैचेस के थे वो जो हमने ड्रॉप किए हैं, वहाँ से वो भी टर्निंग पॉइंट आए, मतलब साबित हुआ है शादाब की वजह से जो दो कैचेस ड्रॉप हुए। लेकिन जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि आपको सही वक्त पर सही डिसीजन लेने होंगे, और आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि नवाज़ को जिस वक्त लेके आना चाहिए था उस वक्त नवाज़ को नहीं लेके आए, और ये मैं समझता हूँ कि दूसरी सबसे बड़ी गलती थी हमारे कप्तान बाबर आजम की। अगर वो थोड़ा सा अर्ली स्टेज में लेके आते हैं नवाज़ को तो सिचुएशन बिल्कुल दूसरी होती, लेकिन राजापक्षे ने पाकिस्तान की जो अभी तक की जो उम्मीदें हैं उस पर जो है पानी फेर दिया है। और देखना ये होगा कि क्या हमारे बैटर जो हमने मतलब ये कि टॉस जीत के और हमने उनको फील्डिंग हमने उनको
बैटिंग का मौका दिया था, आपने खुद फील्डिंग की थी, अब आप में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि आप उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। अगर आज आपने ये टारगेट अचीव कर लिया तो इसका मतलब है पाकिस्तान की टीम जो है वो बेहतरीन एक टीम मतलब कहलाएगी, जैसा कि इससे पहले भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। और मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड की टीम के आने से पहले और वर्ल्ड कप में जाने से पहले पाकिस्तान के लिए आज बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि वो इस सिचुएशन में जो उसके काबू में थी खुद उसने जो है उसको मतलब बेकाबू कर दिया और अब मतलब बिल्कुल प्रेशर में आती दिखाई दे रही है। मजर साहब है एक वक्त के 58 पर 5 आउट हो गए थे श्रीलंका के, आप बाबर आजम की कप्तानी को कहाँ देखते हैं, जहाँ पर मोहम्मद नवाज को लेकर आना था वहाँ पर आप मोहम्मद नवाज को लेकर नहीं आए, आपने प्रेशर अपने ऊपर खुद दिया, फिर एक बड़ा स्कोर बोर्ड पर सजाने में कामयाब हो गई 170 रन का श्रीलंका टीम, राजापक्षे ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, तो समझते हैं कि जहाँ पर आपके फास्ट बॉलर ने जहाँ टॉस जीतने के बाद एक फैसले को दुरुस्त साबित करते दिखाई दे रहे थे, थोड़ी सी कप्तानी मिस हैंडलिंग हुई और जिसके बाईस जो समझते इतना बड़ा बोर्ड पे टोटल सजाने में कामयाब हुई श्रीलंका टीम। देखें इतने रन जो है ये मैं समझ 30 से 40 रन जो है पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा बनवाए और इसमें जारी बात है कैप्टन की जो है ना जो मिसमैनेजमेंट इसके अलावा उसकी जिसको बोले कि मैं समझ रहा हूँ कि देखें रियाज भाई ने अभी बिल्कुल सही बोला कि दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है, मगर ज़रूरी नहीं है कि दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन या बेहतरीन बॉलर जो है बेहतरीन कैप्टन हो। दुनिया में बड़े बड़े जैना कैप्टन बैट्समैन गुजरे हैं, सचिन तेंदुलकर गुजरा है, उसने खुद अपनी कैप्टनशिप छोड़ दी कि भाई मैं जैना कैप्टनशिप नहीं कर सकता क्योंकि मैं मेरे से बैटिंग नहीं हो रही, उसमें वो कैपेसिटी नहीं थी, वो कैप्टनशिप वो रहा कैप्टन रहा मगर नहीं हो सका। तो मैं समझता हूँ कि जैना देखें आपको जो कैप्टन होता है वो ज़हीन कैप्टन होता है, ज़हीन होता है। मैं एक आपको मिसाल दूँ साउथ अफ्रीका के स्मिथ की, जिसने 8 टेस्ट मैच सिर्फ खेले थे और वो कैप्टन बना और उसके बाद उसने 135 टेस्ट मैच खेले और कैप्टन एक ही रहा। तो आपको जो है ना कैप्टन जो है ना ज़हीन बनाना है आप मगर हमारे यहाँ सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती यही है कि कैप्टन जो बनाया जाता है वो जैना अब वो खुद बनवाया जाता है, इस वजह से बनवाया जाता है या तो बहुत बड़ा बॉलर होता है वो कहता है कि भाई मुझे मैं अच्छा बॉलर हूँ और मुझे जैना बैट्समैन बनाओ और सॉरी मुझे जैना कैप्टन बनाओ, ज़बरदस्ती बनवाया जाता है। अच्छा अगर वो अच्छा बैट्समैन है तो वो कहता है वो ज़बरदस्ती जो है ना उसको जैना कैप्टन बनाया जाता है। तो हमेशा कैप्टन जो है पाकिस्तान में जो है वो उसकी कैपेसिटी और उसकी जानत से नहीं बनाया जाता, जानत से नहीं बनाया जाता है। हसनैन है मैच स्टार्ट हो गया, पाकिस्तानी बैटर्स बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त रिजवान और बाबर, और पहले 4 बॉले जो हुई हैं उसमें तमाम के तमाम एक्स्ट्रा हुए हैं और पाकिस्तान को 8 रन अब तक मिल चुके हैं एक्स्ट्रा की सूरत में, तो 8 रन तो पाकिस्तान को फ्री में समझ ले मिल गए, तो कैसा देख रहे हैं अब इस सिचुएशन पे? ये इस बात का सबूत है कि ये कितना बड़ा मैच है पाकिस्तान के लिए भी और भी वाइट बॉल हुई है, तो यकीनन 9 रन पाकिस्तान को अब तक मिल चुके हैं और समझते हैं कि श्रीलंका जो बॉलर से वो भी थोड़ा सा प्रेशर में है, बहुत ज्यादा स्विंग हो रही है। नहीं एक्चुअली अगर आप देखें तो बॉलिंग एंड पे अगर आप देखें तो राउंड द विकेट आना और इस तरह की बॉल करना कॉन्स्टेंटली लेग साइड अगर को आप होल्ड किए हुए सो यू हैव अ स्ट्रैटेजी इन द माइंड, ही इज टारगेटिंग द लेग के वो लेग पे बॉल करे LBW करने की कोशिश करे बट ही कैन नॉट पिक अप द लेंथ कि वो किस तरीके की बॉल जाए। अब देखिए कॉन्स्टेंटली 5 बॉलों पे एक्स्ट्राज मिलना और 9 रन अभी तक हो चुके हैं और ओवर्स में एक बॉल की भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो ये इस बात का सबूत है कि प्रेशर इज नॉट जस्ट ऑन द पाकिस्तानी साइड, इट इज ऑन द श्रीलंकन साइड एज वेल। और ये खास तौर पे पहला ओवर दोनों टीम्स के लिए बहुत क्रूशियल होता है, जितना कॉन्फिडेंस पाकिस्तानी टीम का इस वक्त बिल्डअप हो रहा है सिर्फ इस ओवर की वजह से, तो वो आपके सामने इंशाल्लाह पूरे मैच में हम देखेंगे कि पॉजिटिविटी पाकिस्तान के कोर्ट में रहेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल पाकिस्तान के कोर्ट में रहेगी इंशाल्लाह, हम भी कोशिश करें यही है कि पाकिस्तान आज का फाइनल मैच जीते और तीसरी बार जो है टाइटल जो है पाकिस्तान एशिया कप का अपने जीते। जाफर साहब हारिस रऊफ ने आज जो है अपनी 10वें जो है पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं 50 विकेटें जो है 41वें मैच में मुकम्मल कर ली, कैसा देखते हैं हारिस रऊफ को आप? एक विकेट और हो जाती है 51 हो जाती है, लेकिन ये अच्छा रिकॉर्ड है उनका, लेकिन मैं इनके बारे में बताता चलूँ, जिसने 5 बॉले किए और 5 की 5 जो है ना वो एक्स्ट्रा में गई, लेकिन ये मधुशंका का डेब्यू मैच है और ये इन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है और वाइट बॉल इन्होंने जो है खासतौर पर वाइट बॉल तो चलती रहती है क्योंकि अभी जैसे ये रिदम में आएंगे तो लग पता जाएगा क्योंकि 143 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं
और नो डाउट क्योंकि नई गेंद से जो है ना जरा बॉल को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लेफ्ट आर्म हमेशा पाकिस्तान के लिए मुश्किल का सबब बनते हैं और श्रीलंकन लेफ्ट आर्म तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सबब बनते हैं। और नो डाउट क्योंकि मैच अच्छा होगा आप देख रहे हैं, और हमारी तो ख्वाहिश है कि बाबर आजम आज स्कोर करें, आज बड़ी ख्वाहिश लेकर आए। बाबर आजम के लिए आपकी नए ख्वाहिशात हैं कि बाबर आजम आज का रन स्कोर करें, दूसरी तरफ फखर के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि आज अगर पाकिस्तान की विकेट जल्दी गिरती है तो फखर का किरदार भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए बिल्कुल हर खिलाड़ी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि फाइनल है, कोई हल्का मैच नहीं है, बड़ा मैच है। और जिस तरह की परफॉर्मेंस दे कर आई है श्रीलंकन टीम और जिस तरह की पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है, नो डाउट दोनों टीमों का एक बेहतरीन टकराव है। कहा यह जा रहा था कि स्पिनर्स का मुकाबला होगा पाकिस्तानी बैट्समैनों से, ये बड़ा इम्तहान होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह ये बॉलिंग कर रहे हैं, ये फास्ट बॉलर भी उनके जो है ना श्रीलंका के बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और पिच ऐसी दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो पिच ऐसी दिखाई दे रही है कि बॉल मूव हो रही है। आप देखें अगर उसने 5 बॉल विकेट पर पड़ी हैं और पड़ने के बाद बाहर निकली हैं, तो बड़ी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। इस तरह आप सामने भी देख सकते हैं कि कोई भी बॉल पड़ेगी और सीधी अंदर आ जाएगी, जिस तरह नसीम शाह ने आज वकार यूनस की याद दिला दी, जिस तरह की उसकी बॉलिंग थी आज नो डाउट बहुत बेहतरीन शुरू के ओवर्स में उन्होंने बॉलिंग की, और ऐसा लग रहा था कि 90s में जिस तरह वकार यूनस आके एक मारते थे यॉर्कर टाइप का और मारते थे, थोड़ा सा बॉल घूमती थी, वही चीज़ दिखाई दी थी, उनके बहुत ऐसी बॉलें नजर आई जो कि वकार यूनस से मुशाबिह थी। वकार यूनस की बात हो रही है तो बदर साहब जिस तरह जिक्र कर रहे थे मोहम्मद नवाज के हवाले से, इनसे भी पूछा कि इतनी लेट लेकर आए, क्या वजूहत है, क्या कप्तान के माइंड में चल रहा था कि मोहम्मद नवाज से उन्होंने पूरे ओवर नहीं करवाए। शहजादा मोइन, मैं आपके पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि कप्तान अच्छा नहीं है, उसको कप्तानी नहीं आती, कप्तान ज़बरदस्ती बनाया गया है, उसको प्लानिंग का नहीं पता होता, उसको ये नहीं मालूम होता कौन से बॉलर्स को किस टाइम यूटिलाइज करना है। आपने इतने अच्छे स्कोर पे 52-53 पे आपने 5 खिलाड़ी 5 आउट कर दिए थे, तो उस वक्त उस सिचुएशन में आपने उस तरह के बॉलर्स को इस्तेमाल नहीं किया जब करना चाहिए था। आप अपने नवाज को एक ओवर करवाए जिसमें 3 डॉट थी और 3 रन दिए उसने, उस पर भी आपने जो है ना नवाज को दूसरा ओवर देने की जहमत नहीं की, समझ में नहीं आया। अगर आपने उससे करवाना ही था अपने इफ्तिखार से पूरे ओवर करवा लेते, हो सकता था वो एक आध विकेट और ले लेता क्योंकि वो रिदम में आ चुका था। मकसद ये है कि आप अपनी ख्वाहिशात पे चला रहे हैं टीम को। परसों उसने पिछले मैच में जो है ना रिजवान ने थर्ड एम्पायर से रिक्वेस्ट की कि आप वो ले लें, लेकिन बाबर ने आके एम्पायर को कहा मैंने कहा आपसे, आपने कैसे ले लिया। ये जस्टर भी गलत होता है, अगर आप एक टीम वर्क चला रहे हैं तो अगर आपके वाइस कप्तान तो नहीं है शादाब है, अगर आपके विकेट कीपर ने कह दिया, हमेशा कप्तान विकेट कीपर से पूछता है, उसका रीजन ये होता है कि बॉलर्स के सामने विकेट कीपर होता है और बैट्समैन होता है, उसको ज्यादा मालूम होती है कि बॉल ने टच किया है नहीं किया। आपने अजराह मजाक ही कहा, लेकिन क्या है आपको कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपके उस खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस तो लूज हो जाता है ना, चाहे आपने मजाक में कहा, आइंदा के लिए वो एहतियात करेगा। मकसद ये है कि कप्तान को इतना इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए, आपको जो है ना तहमुल मिजाजी का काम लेना चाहिए, तहमुल मिजाजी से काम लेना चाहिए। एक ओवर में 12 रन बन चुके हैं अब पाकिस्तान के, जिसमें जाफर साहब रियाज साहब तो एक ओवर में 12 रन में जो है 9 रन जो है एक्स्ट्रा के शामिल थे, रियाज साहब सिर्फ हमने जो है 3 रन बैट से रन किए, तो क्या यकीन पहले ओवर के अख्तितम शहजादा हमारे बैट्समैनों को यकीन इस चीज का इल्म होगा, अंदर से वो साइकोलॉजिकली इस चीज को महसूस कर रहे होंगे कि हमने अपने तौर पे सिर्फ 3 रन्स बनाए, इसका मतलब कि हमारी जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी वो सिर्फ 3 रन्स की, बाकी तो अल्लाह ताला ने मतलब हमें एक्स्ट्रा रन जो हैं वो दे दिए। तो देखें ये इस तरह की जो चीज़ है ना, ये कतई मतलब ये कॉन्फिडेंस लेवल जाहिर करती है कि आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं जो इतने बड़े फाइनल मैच के लिए किसी बैटर्स का होना चाहिए। एक ऐसी टीम जो इससे कबल वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है, और ये वो प्लेयर्स हैं शहजादा मोइन जो इससे कबल मेरे ख्याल से 60-70-80-100 मैचेस खेल चुके हैं। अगर उनकी तरफ से मतलब इस तरह का रिस्पॉन्ड आएगा इस तरह के क्रूशल मैचेस में, तो मेरे ख्याल से समथिंग इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज़ नॉट गुड, टीम के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान को ये एक ऐसा मौका मिला है कि पाकिस्तान तीसरी मरतबा जो है एशिया कप जीत सकता है। और इसमें मैं समझता हूँ कि आज के मैच में जिस तरह से फंबल किए हैं कप्तान बाबर आजम ने, जिस तरह की उन्होंने गलतियां की हैं बाबर आजम ने, अगर आज अपनी बैटिंग उन्होंने अच्छी कर ली तो हो सकता है उसका वो अजाला कर सकते हैं। अगर उन्होंने आज ये बैटिंग अच्छी नहीं की तो अगर खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान ये मैच हार जाता है तो ये सवालिया निशान लेकिन आज मैं समझता हूँ कि इनको भी रन करने होंगे, रिजवान को भी करने होंगे और फखर जमान को भी करने होंगे, इसलिए कि फखर जमान जितनी कंटिन्यूसली वो नाकाम रहे, अगर किसी दूसरी टीम में होते तो आज फाइनल की टीम में वो शामिल नहीं होते। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें उम्मीद है कि
फ़खर जमान जो है आज खेलेंगे, और अगर वो जैसा खेल रहे हैं और अगर उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेल ली तो उनका हक बनेगा कि वो जो है इंग्लैंड की टीम में भी हो वर्ल्ड कप की। लेकिन अगर आज खुदा ना खास्ता वो नहीं चल सके तो फिर मैं समझता हूँ कि शान मसूद आपके पास हैं, उसके साथ साथ सरफराज को आपको देखना होगा और साथ साथ हैदर जिसके साथ आपने ज्यादती की है उनको टीम में शामिल होगा। टीम में शामिल होगा मदर साहब। दूसरे ओवर में स्पिनर से श्रीलंका ने अटैक करवा दिया, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, ये तो उनकी स्ट्रेटजी है और सारे मैचों में उन्होंने इसी तरीके से जेना किया है। और ये फिंगर बॉलर हैं, देखिए कि जेना ये ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। देखें आप एक चीज़ पाकिस्तान की बैटिंग में और उनकी बैटिंग में देख रहे हैं कि उनके दो खिलाड़ी आउट हो चुके थे मगर उन्होंने अपने स्ट्राइक को जेना रोटेट किया। ये जो बॉल रोक रहे हैं ये पिच पर रोक रहे हैं। यार आप जो है ना ऐसा करें साइड पर थोड़ा सा जो है ना अपना एंगल चेंज कर दें, बैट के एंगल चेंज कर दें। ये ऐसा होता है कि अपने ऊपर खुद प्रेशर डलवा रहे हैं और फिर पावर प्ले। देखें आप इस वक्त जो है ना ये जो इनको भी पता है कि हम लोग अगर आउट हो गए तो हमारे पीछे भी जो है ना जो मिडिल ऑर्डर है वो खेलने वाली नहीं है। इनको अच्छे तरीके से पता है तो जो ये जब डबल माइंडेड होते हैं आप ना शॉट खेल सकते हैं ना आप रोक सकते हैं। ये उस वक्त ये पोजीशन होती है। तो ये बहरहाल जो है ना जो भी इस वक्त जो पोजीशन बनी है मैच की ये पोजीशन होनी नहीं चाहिए थी। मजहर भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा, सॉरी टू कट यू। देखें ये वो मौका है जब आपको खौफ जो है वो हटा के और फ्रंट फुट पर आके मतलब खेलना चाहिए और इस खौफ को बाहर कर देना चाहिए कि आप हारेंगे। अगर आपको हारने के खौफ से अगर आप इस तरह के स्ट्रोक नहीं खेलेंगे, आप जब तक फ्रंट फुट पर आके एग्रेसिव रवैये अख्तियार नहीं करेंगे इस मौके पे, मतलब आपको जब तक दो तीन शॉट आप निकल के बाहर खेलेंगे, एक दो चौके और छक्के आपको मिलेंगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बाहर होगा, फिर आप जो है आइंदा भी रन बनाएंगे। लेकिन जिस तरह का मतलब ये एटीट्यूड हम अपने बैट्समैनों का देख रहे हैं उससे फिर ये जाहिर हो रहा है कि जो हमारे बैट्समैन है वो सिर्फ इंडिविजुअल अपने लिए खेल रहे हैं। बिल्कुल अपने लिए कह रहे हैं। हसनैन पहले ओवर में 9 रन की सूरत में आ गए थे तो हमने देखा कि हमने प्रेशर को कंट्रोल करना था लेकिन हम ऊपर से प्रेशर लेते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि स्पिनर जब बॉल कर रहे हैं तो हमसे बैट पर सही बॉल आती दिखाई नहीं दे रही, क्या कहेंगे? क्योंकि बाबर इन आउट ऑफ फॉर्म है। आउट ऑफ फॉर्म होने के साथ साथ अगर जिस तरह जाफर भाई ने भी कहा कि पिच जो है ना वो बहुत ही क्रिटिकल है इस वक्त, बिकॉज अगर आप देखें तो सेकंड ओवर स्पिनर से करवाया वो भी फिंगर स्पिनर और उसको भी डिफेंसिव तरीके से रिजवान ने भी खेला और बाबर ने भी सिर्फ एक डबल रन करके ओवर का अख्तितम 3 रन पे किया जिसमें एक एडिशनल वाइट हमें मिली तो 4 रन हमें इस ओवर में मिल सके। तो कुल मिला के सिचुएशन इस वक्त भी बिल्कुल बरक्स अपने स्टाइल के, रिजवान भी डिफेंसिव खेल रहे हैं और बाबर को जाहिर सी बात है अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए वो भी डिफेंसिव खेल रहे हैं। लेकिन जितना बड़ा स्कोर इस वक्त बोर्ड पे अवेलेबल है बाउंड्रीज नहीं तो कम से कम सिंगल डबल्स की फॉर्म में स्ट्राइक रोटेट करके ओवरऑल रन रेट को मेंटेन रखा जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान को मेंटेन रखना है रन रेट को। जाफर साहब है दो ओवर हो गए और T20 के अंदर जो है जहाँ पर बात होती है दोनों ओपनर्स की हमारे उनके स्ट्राइक रेट कम है तो दोनों ने दो ओवर तक जो है अब तक समझ लें 12 बॉलें हुई हैं लेकिन कोई बाउंड्री नहीं लगी। देखिए एक मैच के अलावा जो इंडिया के साथ मैच था जिसमें हमने पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया था उसके बाद कोई ऐसा मैच हमें दिखाई नहीं दिया जिसमें हमने पावर प्ले में कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हो। इवन ये कि हमने जो मैचेस जीते हैं वो एक खिलाड़ी या दो खिलाड़ी या उन टैलेंडर से मैचेस जीते हैं जो कि बैट्समैन प्रॉपर नहीं हैं, जो बॉलर टैलेंडर थे उनसे हमने मैचेस जीते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखना पड़ेगा क्योंकि इस पावर प्ले का फ़ायदा क्या है उसको हमें उठाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है बाद में, क्योंकि एक बयान ये भी आया था कप्तान का कि भाई हमने जो है वो स्ट्रेटजी ऐसी बनाई थी कि हमारे एंड के प्लेयर्स जो है ना वो परफॉर्मेंस दे पाएँ, तो ये समझ में नहीं आता कि ये पावर प्ले का फ़ायदा पहले क्यों नहीं उठाते एंड में क्यों उठाते हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि अगर हमने पिछले मैच देखा अगर श्रीलंका के साथ जो मैच था तो हमारे तकरीबन अक्सर प्लेयर जो है ना बैकफुट पे जाके आउट हुए हैं, सब ने जो है ना पीछे हट के पाँव पे खाई है। इवन ये कि चाहे वो बाबर आजम हो चाहे रिजवान हो सब ने जो है ना बैकफुट पे पहली बाउंड्री पे शायद आपकी बात सुन ली है, रिजवान ने चौका मारा है तो 20 रन स्कोर हो चुके हैं। देखिए खेलना पड़ेगा इस तरह, खुलकर खेलना पड़ेगा। अगर इस तरीके से बैटिंग नहीं करेंगे जिस तरह श्रीलंका ने आज दिखाया इतने प्रेशर में भी उन्होंने जो है ना अपने आप को कैसे निकाला, आप बड़े मैच में फाइनल मैच के अंदर फाइनल मैच में तो ट्रिपल प्रेशर होता है ना, आप देखें जरा ग्राउंड का प्रेशर, आपका जो है ना क्राउड का प्रेशर, इतने श्रीलंकन क्राउड नहीं होगा जितने के पाकिस्तानी वहाँ पे क्राउड है, आपको जो है ना हरीफ के बॉलर्स जो के मायनास बॉलर्स हैं पाकिस्तान के उनका प्रेशर, तो बड़ा मुश्किल होता है। अब खाली बल्ला घुमाए जा रहे हैं रिजवान के, बल्ला घुमाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं तो लगेगी। बात यह है कि उनके शॉट्स देखने जो उन्होंने कवर ड्राइव खेले हैं, उन्होंने हमारे फास्ट बॉलर्स को मारे ना,
तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ अभी जो सिचुएशन देख रहा हूँ, जबरदस्ती के रन बनाना चाह रहे हैं, हालांकि 61 मैचेस खेल चुके हैं रिजवान T20 के, और ये जो बॉलर है इसका पहला मैच है, तो आप देखिए कितना बड़ा फर्क है। पहले मैच के अंदर उसने जो पहले ओवर की जो बॉलें की वो एक्स्ट्रा तो दे दिए, चले वो रिदम में आने के लिए फास्ट बॉलर को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। अब उसने कोई एक्स्ट्रा रन दिया इस ओवर में, मुझे नहीं लगता कि वो अब कोई ज्यादा दे सकेंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। जिस तरह बॉलर्स और फील्डर्स जो है ना वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, इसी तरह हमारे बैट्समैन को भी थोड़ा सा खुलकर खेलना पड़ेगा, वरना वो दबाव के शिकार हो जाएंगे, और जब दबाव के शिकार होंगे तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मजर साहब, दबाव के शिकार हो जाएंगे, समझते हैं कि आज का मैच जो है मुश्किल होता दिखाई दे रहा पाकिस्तान। ये मुश्किल हो गया मैच, मैं आपको बता दूं, ये मुश्किल खुद बनाया है, ये कैप्टन ने सब ने मिल के बनाया है इसको, जो है ना मुश्किल, जबकि इतना मुश्किल था नहीं। जिस तरीके से अगर जैसे जो बड़ी टीमें होती हैं, पाकिस्तान जो है छोटी टीम नहीं है, बहुत बड़ी टीम है, इसका जो है जो आता है उसके अंदर जो है आपका जो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया और न्यूजीलैंड में आता है। अगर जितनी बड़ी टीमें होती हैं, अगर एक दफ़ा जो है किसी टीम को लिटा दें, दोबारा उठने का सवाल ही नहीं पैदा होता कि मौका दे दें। देखिए, वनडे में वापस आ सकते हैं, टेस्ट मैच में वापस आ सकते हैं, आपको सेशन टू सेशन चल रहा है। ये तो 3 घंटे का सेशन है, 3 घंटे के अंदर अगर आपने एक टीम को जो है पहले लिटा दिया फिर उसको उठा दिया, इसका मतलब है कि जो है ना आपकी अपनी कोई प्लानिंग थी नहीं। प्लानिंग देखें, प्लानिंग जो एक प्लानिंग जो है वो आपको ड्रेसिंग रूम में दी जाती है, मगर वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाया जाता है कि भाई इस तरीके से हमने खेलना है, उनको मोटिवेट किया जाता है। ग्राउंड के अंदर जो है सिचुएशन पल टू पल जो है चेंज होती है, तो जब चेंज होती है तो जो है जो आपका कैप्टन होता है वो उस कैप्टन को चाहिए होता है कि वो उस सिचुएशन को हैंडल करे। ऐसा लग रहा था कि जो है ना वो बेचारा जो है कैप्टनशिप नहीं, बल्कि वो अपनी बैटिंग के बारे में सोच रहा था कि मैं जो है 4 मैचों में फेल हो गया हूँ, अब अगर मैं दोबारा फेल हो गया तो क्या हो जाएगा। रियाज साहब, इस वक्त हम देखते हैं कि जहाँ पर बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त, श्रीलंकन बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर फील्डिंग का मैार भी बड़ा ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। इस वक्त 3 ओवर्स के अंदर हमने देखा कि बॉलर्स अपने फील्ड्स के मुताबिक बॉल करते नज़र आ रहे हैं, तो समझते हैं कि गैप्स हमें निकालने पड़ेंगे हमारे बैटर्स को। शहजादा मई, ये इस वक्त हमारे बैटर्स हैं ना, इनके बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई होती है, और जो श्रीलंकन टीम है, इससे पहले भी हम भी गुफ्तगू करते रहे हैं, आपने भी कहा कि श्रीलंकन टीम का फिटनेस लेवल जो है दुनिया की चंद जो बड़ी टीमें उनमें से, मतलब ये एक टीम है जिसका फिटनेस लेवल खिलाड़ियों का बहुत अच्छा है, और इंटरनेशनल क्रिकेट का जो मैार है उस पर पूरा उतरता है। आप ये देखेंगे इस पूरे टूर्नामेंट में हमें तो कोई ऐसा श्रीलंकन खिलाड़ी नज़र नहीं आया 6 मैचेस में जो हमने देखा हो कि उसको क्रैम्प पड़ गया हो, या वो कोई अनफिट हो गया, उसने कोई मिस फील्डिंग बहुत बड़ी की हो। जिस तरह से हमारे अभी फील्डिंग के दौरान आपने देखा कि हमारे 2 खिलाड़ी जो हैं दो दो मरतबा मतलब टकराए, और पूरे टूर्नामेंट में देखें तो कई मरतबा हमारे प्लेयर्स जो हैं आपस में टकराएं। तो ये जो है मैं समझता हूं कि हमारे जो ट्रेनिंग स्टाफ है उसके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी आई होती है, और ये सवालिया निशान है कि उन्होंने किस तरह की ट्रेनिंग हमारे खिलाड़ियों को दी है कि अगर कोई एक खिलाड़ी जिसके ज्यूरिसडिक्शन में वो कैच है तो वो मतलब उसको कॉल भी नहीं कर रहा है, और दूसरा खिलाड़ी उससे टकरा के खुद जख्मी हो रहा है, खुद जख्मी हो गया। नहीं नहीं, क्या कहोगे, फील्डिंग का जो मियार है श्रीलंका और पाकिस्तान में बहुत फर्क महसूस समझना। फर्क बिल्कुल है, अगर आप देखें तो ग्रास रूट से अगर चीज़ों को डेवलप किया जाए तो पाकिस्तानी टीम में इस वक्त कुछ यंगस्टर्स अभी नए शामिल हुए, जैसे हसनैन है, नसीम शाह, शाहीन शाफरीदी जब ओपन किया था वो भी बड़े यंग थे खिलाड़ी, तो यंग खिलाड़ियों का टीम में होना आपकी टीम की फिटनेस को बहुत, पहला नुकसान पाकिस्तान को हसनैन हो गया है, पाकिस्तान के बाबर आजम एक दो फिर नाकाम हुए और आउट हो गए, और जिस तरह का कैच, कितना क्विक रिस्पॉन्स, और शॉर्ट थर्ड मैन पे वो खड़े हुए थे, उन्होंने फौरन कैच अपना ग्रैस्प किया और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बॉल आई थी, और मेरे ख्याल से बॉलर ने बहुत प्री प्लान्ड बॉल पिच की थी कि जिस तरह का शॉट वो मारेंगे और फील्डर वहीं अवेलेबल था, एंड देखें आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से कैच हुआ ये, सो एब्सोल्युटली बड़ा जबरदस्त तरीके से कैच हुआ। जाफर साहब क्या कहेंगे, कैचेस विन द मैचेस, इस ये इस कैच से जो है ना ये टीम जीत जाएगी श्रीलंका। बिल्कुल जाफर साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस कैच जो है श्रीलंकन टीम जो है हावी भी होती हुई दिखाई देगी और फाइनल का टाइटल भी जीतते हुए दिखाई देगी। इस वक्त हमें प्रोग्राम में वापस जाना है, प्रोग्राम से जब वापस आएंगे तो फिर एक दफ़ा फिर स्पेशल ट्रांसमिशन में आपके साथ मौजूद होंगे, और हमारे साथ जो है हमारे तज्जिया निगार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे।
वेलकम बैक विनेस स्पोर्ट्स स्पेशल ट्रांसमिशन में, जहां पर पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो है फाइनल मैच जारी है और इस वक्त सूरतहाल ये है कि पाकिस्तान के जो है तमाम ही खिलाड़ी जो बैटर्स हैं वो नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब टेल एंडर्स इस वक्त विकेट पे मौजूद हैं और कोशिश उनकी यही है कि पाकिस्तान को जो टारगेट दिया है श्रीलंका ने उसे चेस करते हुए दिखाई दें। 112 रन पर पाकिस्तान के 7 विकेटें गिर चुकी हैं। अगर इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ सारी तज्जिया निगार मौजूद हैं। सबसे पहले रियाज साहब के पास आते हैं। रियाज साहब, कैसा देख रहे हैं अब सूरत हाल को बदलते? हाँ शहजाद मईन, कैसा देख रहे हैं अब तो ऐसा देख रहे हैं कि बस दुआ की जा सकती है, इसलिए कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा मौका था, तारीखी मौका था। आपने जो है टॉस जीता था, टॉस जीतने के बाद आपने खेल में कंट्रोल हासिल कर लिया था, 5 विकेटें आपने उनकी ले ली थी, सिर्फ उन्होंने 50 रन से भी कम बनाए थे, 58 रन से 5 आउट थे और पूरा कंट्रोल एक मैच था, उसको आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते थे, अपने मतलब आसाब पे काबू रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम ने आज जिस तरह की मतलब एक मौके पे उन्होंने कप्तानी दिखाई है, उससे जो है ये पूरा मैच जो है बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में चला गया, वरना एक मौका ऐसा था कि उन्होंने सही वक्त पे सही डिसीजन लिए थे और बॉलर्स को सही टाइमिंग्स पे लेके आए थे, लेकिन बाद में जब नवाज को उन्हें लेके आना चाहिए था जिस मौके पे उन्होंने जो गलती की 12वें या 13वें ओवर में, वहाँ से फिर पाकिस्तान के हाथ से जब ही उस वक्त मैच लग रहा था कि निकल गया है, लेकिन जब हमारी बैटिंग आई तो हमने देखा कि हमारा कोई भी बैट्समैन जो है वो मतलब अपनी बैटिंग जो है सही तरीके से नहीं कर सका। इवन फ़खर, जिनको हम ये समझ रहे थे कि वो पूरे मतलब टूर्नामेंट में नाकाम हुए, लेकिन आज वो चल जाएंगे, वो भी नहीं चले। बाबर आजम एक मरतबा फिर नाकाम हो गए और लगता ऐसा है कि रिजवान जो थे उन्होंने अपनी गाड़ी के लिए तो फतह ज़रूर हासिल कर ली, वो गाड़ी उनको मिल गई, मिलेगी। 55 रन की टॉप स्कोरर भी है वो एशिया कप के, कोहली का 276 रन थे कोहली के और इनके जो है अब 276 रन से ज़्यादा हो गए, तो यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज जिस तरह से नॉन सीरियस एटीट्यूड का मुजाहरा किया गया है पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से, गो के इब्तदा में हमें कामयाबी हासिल हुई थी और उस वक्त लग रहा था कि पाकिस्तान इस मैच को मैनेज कर लेगा, जीत जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंतहाई अफसोस की बात है इस वक्त जो मौजूदा हालात में जो सिचुएशन है वो तो यही है कि पाकिस्तान के लिए ये मैच जो है तकरीबन एक बहुत ही मुश्किल, अगर नामुमकिन नहीं है तो मुश्किल ज़रूर है। जावेद साहब क्या कहेंगे, जिस तरह सूरत हाल बदलती हुई नज़र आई, एक वक्त में इफ्तिखार और रिजवान जिस बैटिंग कर रहे थे तो पाकिस्तान को 10 रन प्लस चाहिए थे एवरेज के, लेकिन फिर इफ्तिखार और रिजवान के आउट होने के बाद, खासकर इफ्तिखार के आउट होने के बाद हमने देखा कि हमारी बैटिंग आई एक दफ़ा फिर फ्लॉप होती दिखाई दी। जो मिडल ऑर्डर पर फुकदान रहा वो आज भी चेस करते हुए हमें दुशारियाँ पेश हुई, तो समझते हैं कि इस मिडल ऑर्डर पर जहाँ पर ज़्यादातर जो है ऑलराउंडर इस्तेमाल करते हुए हम दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पर हमें यकीनन मुस्तनद बैट्समैन को लाना पड़ेगा। बिल्कुल शहजादे भाई, मुस्तनद बैट्समैन और पार्टनरशिप, T20 हो, वनडे हो, टेस्ट क्रिकेट हो, आपकी ये ज़रूरत बन गई पार्टनरशिप। जब तक पार्टनरशिप नहीं लगेगी तो स्कोर नहीं बनता। बिल्कुल, अभी शादाब भी आउट हो गए, 8वीं देखिए 8 आउट हो गए हैं, 18 ओवर हो गए हैं, 8 आउट हो गए हैं, क्या बात है, कोई किसी की समझ में, जो स्कोर ये कर रहे हैं, हमें ऐसा मौका मिला था कि हम इस स्कोर पे श्रीलंका को आउट कर सकते थे, वो हमने गंवा दिया, गलत फैसले कर दिए। जब हमें टाइम था 58 पे हमने 5 आउट कर दिए उनके, फिर उसके बाद हमने उनको और सिलो दे दिए कि चले जी लंबा कर लें, वही हमारे गलतियाँ जो है गले पड़ गई। समझ नहीं आ रहा बाबर आजम कर क्या रहा है, बाबर आजम कर रहा है, PCB के सदर भी सामने बैठे हुए हैं, ग्राउंड में चेयरमैन बैठे हुए हैं, पता नहीं इनकी इंतजामिया कर क्या रही, बाबर आजम को हो क्या गया। ठीक है जी, बैट पे चाहता है बैट्समैन पे, लेकिन अब कप्तानी भूल गए, आपको ग्राउंड में पता ही नहीं पोजीशन का कि किस बॉलर को मैंने कब इस्तेमाल करना है, किस बैट्समैन को। नवाज को आपने एज ए ऑलराउंडर खिलाया, आपने उससे एक ओवर करवाया, वो बैट्समैन ऑलराउंडर नहीं, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, आप उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं। अरे भाई क्या हो गया, कहाँ चली गई आपकी अक्ल, सारा पाकिस्तान उम्मीदें लगा कर बैठा हुआ था कि आज हम जश्न मनाएंगे, सलाम जदगान भी उम्मीदें लगाए थे कि आज खुशियां आएंगी पाकिस्तान में, इन्होंने सारी खुशियों पे पानी फेर दिया है और इनको चाहिए जैसी आती है बिल्कुल पूरी टीम का पोस्टमार्टम किया जाए, और ये जो इंतजामिया है PCB में जो बैठे हुए बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, क्या हाल कर दिया हमारी टीम का तुम लोगों ने, क्या हाल कर दिया हमारी टीम का, बड़े जज्बात में नजर आ रहे हैं जावेद साहब।
नहीं, क्या कहोगे जिस तरह हमारी बैटर्स नाकाम होते दिखाई दिए। सबसे पहले अगर बात करें हम बाबर आजम के हवाले से और फिर फखर जमान, क्योंकि ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट्स के अंदर ये फ्लॉप होते हुए दिखाई दिए, जहां पर हमें तजुर्बे करने चाहिए थे, खासकर जो इससे पहले मैच हुआ था श्रीलंका के खिलाफ, वहां पर अगर हम हैदर अली को चांस देते गो के अगर वो रन कर देते और फिर फाइनल के लिए हमें शायद फखर जमान को जो मुसलसल चांस देते हुए हम नज़र आए और वो आज फाइनल मैच में भी जो है मायूस करते हुए दिखाई दिए शाइकी ने क्रिकेट को, तो कैसा देखते हैं उनके कैरियर को अब फखर जमान के? अगर आप प्लेइंग इलेवन की बात करें तो जो सिलेक्शन ऑफ द प्लेइंग इलेवन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें अगर हम बार बार एक ही प्लेयर्स को बार बार यूटिलाइज करते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि इस तरीके से हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सकते। बिकॉज जब आपके पास चांस था, जिस तरह आपने कहा कि श्रीलंका के खिलाफ एक और मैच आपने किया, तो उसमें आप हर बंदे को टेस्ट कर सकते थे। एक बंदे की परफॉर्मेंस आपको दिख रही है कि ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग इन द होल सीजन, सो यू शुड नॉट प्रेफर इट इन अ वेरी क्रूशल सिचुएशन कि इतने क्रूशल मैच में आप इस तरह का रिस्क लें। एंड यू कैन सी द रिजल्ट इज अगेन द सेम, जीरो रन के साथ वो बंदा आउट हो रहा है। इसी तरीके से टीम को रिफाइन करने की बहुत ज़रूरत है, और नए टैलेंट को अगर आप लेके आ रहे हैं उसको चांस मिले। जब तक चांस नहीं मिलेगा बेंच पे बैठे बैठे उसने कुछ नहीं करना है। और जिस तरह जावेद साहब ने भी कहा कि बहुत ज़रूरी है कि टीम को दोबारा रिस्ट्रक्चर किया जाए और इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि नए लोगों को चांस मिले और वो बेहतर क्रिकेट खेल सके, क्योंकि जब तक मैचेस नहीं होंगे उनके पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा, एंड व्हेन दे विल नॉट हैव द एक्सपीरियंस वो कैसे परफॉर्म करके देंगे आपको बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर। इतना क्रूशल मैच आपके पास है, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में बदलता हुआ जा रहा है। देखें अब जिस तरीके से लास्ट ओवर्स हैं, बहुत ही गंभीर मामला है और इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है मैनेज करना। जाफर साहब, प्रेडिक्शन आपकी बड़ी सही जाती हुई नज़र आई इस मैच के अंदर, जहां पर आपने श्रीलंकन बैटर्स के हवाले से बात की थी कि इतने रन श्रीलंकन टीम बनाने में कामयाब हो जाएगी, तो हमने देखा कि वहां बड़ा ज़बरदस्त जो है श्रीलंकन बैटर्स ने काम करते हुए दिखाई दी। पाकिस्तान का एक और खिलाड़ी जाफर साहब आउट हो गया, तो 9 विकेटें अब पाकिस्तान की गिर गई। तकरीबन पाकिस्तान के जो है इस फाइनल मैच में जो है शिकस्त जो है बहुत करीब होती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या कहेंगे इस शिकस्त के हवाले से, क्योंकि अब शिकस्त तकरीबन 90% जो है होती हुई दिखाई दे रही है और हमारे जो बैटर्स हैं एक दफ़ा फिर टारगेट चेस करने के लिए नाकाम होते हुए दिखाई दिए। शहजादा मोइन, देखें अफसोस हो रहा है कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ भी हम 9 खिलाड़ी आउट हो गए, इंडिया के खिलाफ भी हमारे 7-8 खिलाड़ी आउट हो गए। मतलब ये है कि कोई रुकने वाला ही नहीं है खिलाड़ी। अब आप आज श्रीलंका को देख लें कि हर किसी ने, हर खिलाड़ी ने अपना रोल अदा किया है। हमें दाद देनी पड़ेगी डी सिल्वा के, जिसने 3 विकेटें भी ली, 32 रन भी बनाए उस क्रूशल टाइम पे जब 5 विकेटें आउट हो चुकी थी, 6 विकेटें आउट हो चुकी थी। उस टाइम, उस मौके पे जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है विकेट पर ठहरना। हमारे खिलाड़ी विकेट पर ठहरना भूल गए, या तो फिर देखें अब अपने इफ्तिखार रुके 32 रन बनाए 31 बॉलों पे, आपके रिजवान रुके हैं 55 रन बनाए हैं 52 बॉलों पे। तो मतलब ये क्या स्ट्राइक रेट है इनको, हम ये कहें कि T20 के प्लेयर्स हैं। आप छोड़ दें इस टाइम, मुझे बात करने दें शहजादे मोइन, आपकी बात पे जज्बात चुप हो जाता है, लेकिन ये गलत बात है। ये जिस तरह मैच हार रही है दिल से अफसोस हो रहा है। 12 साल फिर हमें इंतजार करना पड़ेगा किसी टूर्नामेंट के जीतने का, फिर हम अगले साल हमारे पाकिस्तान में एशिया कप होना है, किस तरह करेंगे हम अपनी टीम को कैसे खड़ा करेंगे? अगले वर्ल्ड कप है, इंग्लैंड टीम आ रही है, इतना कुछ हो रहा है, ये हार, ये शिकस्तों से हम क्या सीखेंगे, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? ये एमर्जिंग कैंप जो लगा रहे हैं, एमर्जिंग टूर्नामेंट जो करवा रहे हैं, कैसे सीखेंगे? ये T20 सिखा रहे हैं, हम डोमेस्टिक से तो प्लेयर ही नहीं उठा रहे, डोमेस्टिक से कैसे प्लेयर उठाएंगे? डोमेस्टिक से नहीं, आपको स्कूल लेवल से प्लेयर उठाने की जरूरत है, स्कूल लेवल कॉलेज लेवल से। जब तक यहाँ से लड़के निकल के नहीं आएंगे नया टैलेंट कैसे सामने आएगा? जब आप स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं, हम तो अभी जो है ग्रास रूट लेवल पर जो टूर्नामेंट होते हैं उस पे तवज्जो नहीं दे रहे। तवज्जो देने की जरूरत है, जो पाकिस्तान में बैठे वो इस पे काम करें, स्कूल लेवल से बच्चा निकाल के लाएं, कॉलेज लेवल से बच्चा निकाल के लाएं। बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, मैंने कहा वो तो जब आप स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल से लेके आएंगे वो तो लेके आएंगे भाई। अभी हैदर को टीम में शामिल करें, सरफराज को टीम में शामिल करें और शान मसूद को टीम में शामिल करें, ये वक्त है। आपके जो फखर जमान है, उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस खुल के सबके सामने आ गई, वो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले, और अगर अब आपने मतलब उनको शामिल किया तो इसका मतलब ये कि आप जो है कौमी मफाद को जो है बराए ज़ाती दोस्तियों पे तरजीह दे रहे हैं, और ये समथिंग इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये पाकिस्तान के साथ एक मजाक है, पाकिस्तान की कौम के साथ, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ ये एक मजाक है, और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को मजाक बन गई है। आप देखें ना कितने तमाशाई हैं, कितने लोग पाकिस्तान में जुनूनी अंदाज में देख रहे हैं कि आज हमारे जिस तरह जावेद भाई ने कहा सैलाब जदगान के लिए कुछ ना कुछ होगा, इतनी बड़ा एफर्ट, इतना सब कुछ, लेकिन क्या शिकस्त पे शिकस्त, क्या मसला है? एक प्लेयर हमारा टीम को जितवाने
करने में कामयाब हो जाते हैं, इंडिया के खिलाफ एक जो है ना वो अफगानिस्तान के खिलाफ हम टीम को सर पे उठा लेते हैं। टीम वर्क कहाँ है इसमें? टीम वर्क तो दिखाई नहीं दे रहा भाई। दूसरी तरफ देखते हैं तो टीम वर्क अगर पूरे टूर्नामेंट के अंदर नजर आई है तो वो श्रीलंकन टीम नजर आई है भाई। श्रीलंका की नई टीम है, ये 65 आपके मैचेस खेल चुके हैं, वहां एक पहला मैच खेल रहे खिलाड़ी। अपनी टीम के परफॉर्मेंस देखें, फील्डिंग देखें यार, हमारा तो फील्डिंग का मियार ही देखें आप यार। देखिए जाफर, अगर आप मतलब कि शिकस्त जो है वो पुरवकार होनी चाहिए, आप अगर लड़के हारते हैं तो उसमें तो कोई मतलब आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ये कि इस तरह से आप हारेंगे, एक मौके पे आप 5 खिलाड़ियों को आउट कर देते हैं 50 रन पे और फिर आपका स्कोर जो है 170 तक श्रीलंका की टीम ले जाती है, तो कहाँ है आपकी एक्सपर्टीज, कहाँ है आपका एक्सपोजर और आपका एक्सपीरियंस कहाँ चला गया है? कौन थिंक टैंक है, कौन इनको समझा रहा है, कौन बता रहा है, कुछ पता नहीं है। और जिस तरह से हम आउट हुए हैं आज, लगता है ऐसा है कि हमारी टीम जो है वो बिल्कुल मतलब ये कि अब तो वर्ल्ड कप सर पे ऐसा होगा। जावेद भाई देखिए, ये आप पुराने क्रिकेटर हैं, आपने बड़ी क्रिकेट खेली है, आज भी आप क्रिकेट के ग्राउंड में रहते हैं, आप वेटरन्स खेल रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं यार, ये रिजल्ट क्या सीखेंगे? सर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन कर दिया इन्होंने, बिल्कुल क्रूशियल। अब ये देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए इंडिया से पहला मैच हम हारे राउंड का, सुपर फोर से पहले लड़के हारे, बिल्कुल पाकिस्तानियों ने बिल्कुल बुरा नहीं मनाया, अप्रिशिएट किया पाकिस्तान ने, अप्रिशिएट किया कि यार लड़कर हारे हम, बिल्कुल बराबर का खेले, कोई वो नहीं। ओ भाई आज आप क्या कर रहे हो, आज तो आपने बिल्कुल पब्लिक को ना बिल्कुल उस स्टेज पर ले आए हो कि अब आप आए, आपका इस्तकबाल कर रहे हैं ना लोग, बिल्कुल अच्छी तादाद में वैसे तो आएंगे, लेकिन अब आई ये सब रात की फ्लैटों से आएंगे, पता ही नहीं चलेगा कोई लाहौर उतर रहा है, कोई पेशावर उतर रहा है, कराची तो मेरे एक आदि आएगा। तो भाई ये जुल्म हो रहा है हमारे साथ। अभी देखो यार क्या जवाब है, अभी पब्लिक पूछेगी, हम भी यहाँ से जाते पूछती है कि यार वो तो बड़ा ये हो गया, हम क्या करें, उन्होंने तो बिल्कुल नाक कटवा दी आज तो यार, तबसरा करने को दिल नहीं चाह रहा, बिल्कुल तबसरा करने का दिल नहीं चाह रहा है। जाफर साहब भी जज्बाती होते दिखाए, जाफर साहब टीम में तो तकरीबन जो है हम देखते हैं कि शिकस्त के दहाने पे पहुंच चुकी है, और एशिया कप भी इस दफ़ा फिर एक दफ़ा श्रीलंका का नाम होता हुआ दिखाई देगा, छठी बार जो है श्रीलंकन टीम जो है एशिया कप T20 का फाइनल जीतते हुए दिखाई देगी। अब हमारे पास है सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ, समझते हैं कि यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ छोड़ें आप ये देखें, पहले पोस्टमार्टम होना चाहिए इन टीम का, पोस्टमार्टम होना चाहिए, फिर बाबर की कप्तानी फाइनल मैच के अंदर देखनी पड़ेगी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सी चीजें बाबर आजम ने जो है गलतियां की है कप्तानी में, तो कप्तानी पे भी सवालिया निशान उठता हुआ दिखाई देगा। जाफर साहब इस पे क्या कहेंगे? अप्रिशिएट करना पड़ेगा श्रीलंकन टीम को नए खिलाड़ियों के साथ, उनके साथ आप देखें मैथ्यूज कहाँ है, आपका पुराने प्लेयर जो फिफ्टियां मार रहा था, ये सारे प्लेयर्स को उन्होंने बाहर करके टीम को खड़ा किया। क्रेडिट देना पड़ेगा महिला जयवर्धने को जो कि कंसल्टेंट है, बैटिंग कंसल्टेंट, आपके कोच को क्रेडिट देना पड़ेगा जिसने टीम को खड़ा किया। ऑस्ट्रेलियन कोच रखा है उन्होंने एक, हमने तो तीन तीन चार चार तब्दील कर रहे थे, लेकिन उस एक कोच ने टीम को खड़ा कर दिया है उसका। अब आप देखें वर्ल्ड चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया, उसी वर्ल्ड चैंपियन की, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन से कोई सीखता है, एक हमारा फेवरेट खिलाड़ी होते हैं बाबर आजम से कितने बच्चे सीख रहे हैं, इसी तरह अगर कोई वर्ल्ड चैंपियन टीम है उसका फॉर्मेट क्या है, उसका किस तरीके से वो चल रही होती है, किस जगह पे सिचुएशन चेंज करती है, उस तरह दूसरी टीम उसको एडॉप्ट करती है। लेकिन हमने क्या सीखा? कुछ नहीं, श्रीलंका ने सीखा और वही चीज करके दिखा रही है। और शहजादा मोइन, सबसे अहम बात यह है कि हमें यकीनन अपनी जो टीम है जो शिकस्त से हमकिनार होने जा रही है, अल्लाह ताला आगे रहम करे, हमें हमारी अपनी टीम की जो भी परफॉर्मेंस है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें इस मौके पर श्रीलंकन टीम को दाद देनी चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस को दाद देनी चाहिए, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उनकी टीम एक मौके पे 5 खिलाड़ी उनके आउट हो गए थे लेकिन उन्होंने कम बैक किया, और उनमें इतना मतलब ये कि उनकी आप IQ लेवल देखें आप, उनका आसाबी मतलब जो आसाब शिकन मैच था लेकिन उन्होंने अपने आसाब पे काबू पाया, वापस मैच में आए, ना सिर्फ वापस मैच में आए बल्कि मैच जीते हुए यहाँ पे निकल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के फाइनल मैच का क्रेडिट जो है तमाम श्रीलंकन खिलाड़ियों को जाता है। जी रियाज भाई, एक तो देखिए ये जाता है, और देखिए टूर्नामेंट में इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वो वाही टीम है जिसके 11 प्लेयर्स का नाम भी आवाम को नहीं आता, ये वाही टीम है, नहीं पता, हमें नहीं पता 11 प्लेयर्स के नाम, जो चंद एक परफॉर्मर है उनका पता है, और इन्होंने इंडिया को भी बता दिया, पाकिस्तान को तुम इतने बड़े नाम लेकर घूम रहे, कोहली है, बाबर आजम, फखर जमान, रिजवान, इन्होंने बड़े बड़े मुशफिकुर रहमान और ये नबी और राशिद खान सबको बताया कि ये इनफरादी गेम नहीं है, इज्तमाही गेम है,
ये इज्तमाही गेम है, क्रिकेट जो है इनफरादी गेम नहीं है। इनफरादी एक बंदे की अपनी परफॉर्मेंस होती, लेकिन जब तक 11 के 11 ग्राउंड में नजर ना आए तो आपको फतह नहीं मिल सकती, और यही आज हमारे साथ हुआ है। हम इनफरादी उस पर लगे हुए थे कि आसिफ आएगा वो 6 छक्के मार देगा, नवाज आएगा वो मार देगा 4 छक्के, बाबर मार देगा, कुछ नहीं होता भाई, इनफरादी नहीं, ये सब इज्तमाही गेम है। अगर 30-30 स्कोर भी हर बंदा करता है, 10-10 बंदे आपके पास हैं, 30 ऑन एन एवरेज, नहीं कह रहे कि 50 मारे, नहीं कह रहे कि सेंचुरी मारे, बट ऑन एन एवरेज अगर एक पर्सन 30 स्कोर करता है इंडिविजुअल एज अ बैट्समैन, तो वी कैन मेक दैट टारगेट, दिस वाज नॉट अ बिग टारगेट, इस पिच पे हो सकता था। इस तरह बैटिंग की है इफ्तिखार ने 31 बॉलों पर 32, फिर 52 बॉलों पर 55 रिजवान ने, तो समझते हैं कि स्ट्राइक रेट के लिहाज से ये फॉर्मेट नहीं है, ये फॉर्मेट नहीं है कि आप सेट बैट्समैन, एक बंदा फॉर्म में है, रिजवान इज इन फॉर्म, तो वो कैसे, उसको 50 बॉलों की जरूरत पड़ रही है 50 मारने के लिए, इससे तो साबित यही हो रहा है कि वो सिर्फ मफादी, अपने मफाद के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, टीम वर्क है ही नहीं। अगर दूसरे एंड से स्कोर नहीं हो रहा है तो आप रिस्क लेके स्कोर करेंगे, अपनी सिर्फ अपनी विकेट सिक्योर करने से कोई फायदा नहीं है। और जिस तरीके से बैटिंग हुई है इंडिविजुअल, जिस तरह जावेद साहब ने कहा कि इंडिविजुअल बंदे का गेम नहीं है, इट्स ए टीम एफर्ट, बॉलर्स की भी एफर्ट है और उसके बाद बैट्समैन की भी एफर्ट है। वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप्स हमारे पास अवेलेबल है, उसके बावजूद भी इस तरह का बड़ा टारगेट अगर टीम खड़ी कर रही है, एब्सोल्युटली श्रीलंकन टीम को दाद देने की जरूरत है यहाँ पर कि उन्होंने इतना बड़ा टारगेट अचीव किया। और पाकिस्तानियों को इस बात से सबक सीखना चाहिए किस तरीके से अपनी टीम को मैनेज करना है। सबक क्या सीखेंगे, आखिरी बॉल पे भी आउट हो गए, 10 खिलाड़ी आउट हो गए, देखने आप श्रीलंकन ने नाम कर लिया है, क्या कहेंगे जाफर भाई, क्योंकि छठी दफा जो है श्रीलंकन टीम जो है टाइटल जीतने में कामयाब हुई है एशिया कप T20 की। T20 में 23 रन से कामयाबी, वो भी फाइनल में श्रीलंका की, बड़ा मार्जिन से जीते हैं भाई, ये हल्का मार्जिन नहीं है। 10 विकेट, सारे खिलाड़ियों को आउट किया उन्होंने, किसी को नहीं छोड़ा। आप ये देखें किस तरह की बॉलिंग की उन्होंने, किस तरह के अंजाम दिए। हम लोग 2000 में हमने जीता था, 2012 में हमने जीता, फिर 12 में हमने जीता, उसके बाद फिर हमें 12 साल इंतजार करना पड़ेगा, अगले साल तो पाकिस्तान में है एशिया कप। तो भाई ये चीजें हमने कुछ सीखा ही नहीं है ना, इतने सालों बाद हम जब जीतेंगे तो इसका मकसद ये कि हम 10 साल में अपने प्लेयर्स को जाया कर रहे हैं, नहीं होता, इस तरीके से नहीं होता। देखिए उनके कोच सिल्वरवुड जो कि ऑस्ट्रेलियन कोच है, उनको दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह उन्होंने टीम, नई टीम को खड़ा किया, जिस तरह कप्तान को खड़ा किया, नया कप्तान, हालांकि पुराने सारे कप्तानों को हटाया, इसमें कोई शक नहीं है कि श्रीलंकन टीम ने वो कर दिखाया इस मौके पे कि जो कि उनसे उम्मीद की जा रही थी कि हाँ भाई वो टीम वर्क दिखा रहे हैं, वो करके दिखाएंगे। मजे की बात यह कि पूरे टूर्नामेंट में कोई श्रीलंकन खिलाड़ी जो है ना वो अनफिट नजर नहीं आया, सब ने भाग भाग के, दौड़ दौड़ के, इवन ये कि ऐसे ऐसे चौके रोके हैं, ऐसे ऐसे कैचेस किए कि उनसे हमने सीखना चाहिए, हमारे बॉलर्स को सीखना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने डेथ ओवर्स में बॉलिंग की है, हमारे बैट्समैन को सीखना चाहिए कि जिस तरीके से बैट्समैनों ने उन्होंने मुश्किल हालात में बैटिंग की है। भाई एक तरफा मैच को उन्होंने जो है ना फतह से हमकिनार करवाया, कितनी बड़ी बात है, ये तो सोचना पड़ेगा हमारे टीम मैनेजमेंट को, हमारे कोच क्या कर रहे हैं भाई। अच्छा बैटिंग कोच के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें जाफर साहब से, मोहम्मद यूसुफ हमारे बैटिंग कोच हैं, अभी स्क्रीन पर भी नजर आ रहे थे, क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने शायद बाबर आजम और रिजवान के अलावा दीगर बैट्समैन पर जो है तवज्जो ही नहीं दी है कि उनको बैटिंग के लिए कुछ मौके मैसर किए जाएं, क्योंकि वो डिफेंसिव प्लेयर थे, सॉन्ड प्लेयर थे, और आपने सिर्फ सॉन्ड प्लेयर में जो है इफ्तिखारी शामिल अगर देखा जाए तो इस T20 के अंदर मौजूद थे। देखें मेन टीम में आने के बाद कोचिंग नहीं होती काम, सिर्फ और सिर्फ टेक्निक बताइए, आपको तजर्बा बताया जाता है कि इस विकेट पे इस तरीके से खेलें। इवन ये कि जो कोच के हिसाब से मोहम्मद यूसुफ कभी भी अच्छे कोच नहीं रहे, इवन ये है कि आप क्योंकि सीख कर नहीं आए, आप नेचुरल टैलेंट था, और नेचुरल टैलेंट जिसके पास होता है वो अलग ही स्टाइल से खेलता है, जिसने मेहनत की होती है, जिस तरह यूनस खान ने मेहनत की थी अपने आप को बनाया था, इस तरह बाकी और दो इमरान खान ने मेहनत की थी अपने आप को बॉलर बनाया था, जो मेहनत करके सीखता है ना वो दूसरों को सिखा सकता है, जो नेचुरल टैलेंट होता है वो नहीं कुछ कर सकता। जी रियाज साहब क्या कह रहे थे? जनाब मैं ये कह रहा था कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन था, और पाकिस्तान ने जो है टॉस जीतने के बावजूद भी जितनी उनकी मतलब ये कि सारी चीज़ें पॉजिटिव जा रही थी उसको उन्होंने सही तरह से फ़ायदा नहीं उठाया। अब तो देखें हम हार गए, इससे पहले भी हम हारते रहे, लेकिन देखें फतह और शिकस्त खेल का हिस्सा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और इससे पहले भी पाकिस्तान की टीम जो हारती रही है जीतती रही है, लेकिन जिस तरह से आज का ये मैच हारे हैं मैं ये समझता हूँ कि अगर ये लड़ के हारते, इज्जत के साथ, वकार के साथ हारते तो उसमें कोई वो नहीं थी, लेकिन अब जिस तरह से इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है मैं समझता हूँ इसने कई सवालात जो हैं वो जन्म दे दिए, कप्तानी पे भी इन्होंने सवालात जन्म दिए हैं, साथ साथ जो है खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, फील्डिंग की, और जिस तरह से बॉलिंग की है, ख़ासतौर से कप्तान बाबर आजम ने जब हमारी फील्डिंग की और हमारे बॉलर्स को जिस तरह से
भेज रहे थे, जहां उन्होंने मतलब इतनी बड़ी गलती की कि नवाज को सही वक्त में नहीं भेजा, जिसकी वजह से पूरा आपका मैच जो है वो यकतरफा हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक ऑपरेशन क्लीनअप होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता ये है कि जिस तरह से हम हमेशा से देखते आए, कुछ भी नहीं होगा, चंद दिनों के बाद हम इस शख्स को जो है भूल जाएंगे और फिर उसी तरह से तमाम मामला जो है वो चलते रहेंगे। इंग्लैंड की टीम आ रही है, हम भूल जाएंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप आ रहा है, बिल्कुल जावेद साहब ये समझते हैं कि अब जिस तरह से इधर पहले आप कह रहे थे पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो पोस्टमार्टम अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़रूरी, पूरी जहाँ भी पाकिस्तानी बैठे हैं वो यही सोच रहे और यही कहेंगे। लेकिन जाफर भाई की वो रियाज भाई की बात से जो इत्तफाक करना पड़ेगा, होना हवाना कुछ नहीं है, पाकिस्तान है, कुछ भी नहीं होगा, एक दो चेहरे इधर उधर कर देंगे, वही इंतज़ामिया रहनी है, वही चेयरमैन रहना है, वही पीसीबी रहनी है, हम आप कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल तो आसान है कि आज के मैच का क्रेडिट किसको दोगे श्रीलंकन टीम में? सर श्रीलंकन टीम में एब्सोल्युटली मेरे हिसाब से तो बैट्समैन और उसके साथ साथ फील्डर्स और उसके साथ साथ बॉलर्स, ये टीम एफर्ट था, इसको कहते हैं टीम। पाकिस्तानी बैट्समैन, पाकिस्तानी फील्डर्स, बॉलर्स, इनकी सबसे बड़ी एक खराबी इस वक्त इनकी फिटनेस है, और किसी भी टीम की फिटनेस की अगर बात आती है तो इस वक्त हम देखते हैं श्रीलंकन टीम, इंडियन टीम, ये अपनी फिटनेस की वजह से माने जा रहे हैं, क्योंकि वो फील्ड में इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं बैट्समैन के ऊपर कि वो नहीं बना सकते स्कोर्स। आप सिंगल रन्स रोकते हैं, आप डबल्स रोकते हैं, आप तीन रन को रोकते हैं, आप चौके रोकते हैं, तो ये इस तरह से नहीं होता है, ये एक कॉन्स्टेंट लर्निंग प्रोसेस है, ये एक दफ़ा के अंदर काम नहीं होता है, तो टीम क्रेडिट है पूरा, हम किसी एक राजा पक्षी और संगा ने जो बैट पार्टनरशिप लगाई ना, वहां से बिल्कुल टर्न हो गया मैच, वो चला गया श्रीलंका के लिए। ये वन साइडेड मैच हार रहे हैं आप, आपने कोई मुकाबला नहीं किया, ये वन साइडेड मैच हार रहे हैं, इस पे आप क्रेडिट श्रीलंकन फील्डर्स को भी देंगे आज जिस तरह उन्होंने फील्डिंग की है? नो डाउट फील्डिंग की इतनी बातें हो गई, पाकिस्तान एक पूरा एक जो है ना आपका जो है ना सामने नजर आ रही थी जो फील्डिंग थी, इवन ये कि आपका जो फिटनेस लेवल था वो हर चीज़ दिखाई दे रही थी आपको। देखें अब जो हो गया वो तो हो गया आपके सामने, अब इसके आगे क्या होने वाला है उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान टीम हमारा एक जाहिर सी बात है, हमारा वकार है, और हमें जो है हमारा बिल्कुल, हमने जो है ना अपनी टीम को बकअप भी करना है, बैकअप भी करना है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और एक मुहिब वतन होने के नाते, लेकिन देखना पड़ेगा, मुझे कप्तानी पसंद नहीं है। अभी रुक जाइए मेरे पास, मेरी बात जरा जा रियाज में माजरा चाहता हूँ आप लोग से, आप लोग ने मैच देखा, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बात यह है कि टीम जीत गई है श्रीलंका, बिल्कुल बहुत मुबारक हो, लेकिन कप्तानी को देखना पड़ेगा, मैं इस पे आ रहा था, कप्तानी को देखना पड़ेगा, कप्तानी के गलत फैसलों की वजह से हमारी टीम हारी है, आज की बात नहीं कर रहा, ये पूरे टूर्नामेंट में एक्सपोज हो गया है कप्तान, एक्सपोज। हम हमेशा ये कहते हैं तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, प्यार जरूर है, लेकिन बिल्कुल इस वक्त हमें प्यार है उसका इजहार तो करने दो, जारी रही थी हमारे साथ, हमारे तजिया निगार मौजूद थे, खासकर जाफर हुसैन साहब, हसनैन साहब, और उसके साथ साथ अगर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उसके अलावा रियाज साहब, और थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया था मजर अवान साहब ने, तमाम ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने देखा कि आज का फाइनल मैच जो है छठी बार जो है एशिया कप T20 का टाइटल श्रीलंका ने अपने नाम किया, पहले पाकिस्तानी अगर बॉलिंग की बात किया जाए तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़ी उम्दा पहले स्पेल में अगर देखें तो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, 58 पर 5 आउट कर दिए थे श्रीलंका के, फिर हमने देखा कि ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा श्रीलंकन बैटर्स की जानिब से किया गया और 170 रन स्कोर किए श्रीलंका ने पहले 20 ओवर से मुकर्रा, और वहां पर पाकिस्तान को 171 रन का टारगेट दिया। जब पाकिस्तानी बैटर्स की बारी आई तो एक दफ़ा फिर जो मुसलसल नाकाम होते हुए नजर आ रहे थे बाबर आजम, वो एक दफ़ा जल्दी आउट होते दिखाई दिया, उसके बाद ही पहली ही बॉल पर जो है फखर जमान आउट हो गए, फिर कुछ पार्टनरशिप जरूर लगी मोहम्मद रिजवान की और इफ्तिखार अहमद की, इफ्तिखार अहमद ने 32 रन स्कोर किया और उसके साथ मोहम्मद रिजवान जो है 55 रन के साथ कमाया स्कोर लगे, लेकिन दोनों ही ने जो है बहुत ज़्यादा स्लो बैटिंग की T20 के लिहाज से, जिसका खमजियादा पाकिस्तान के बैटर्स को बाद में उठाना पड़ा और तेज रन बनाने के चक्कर में जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी अपनी विकेटें गंवाते हुए भी दिखाई दी है। तो यकीनन श्रीलंकन टीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद की मुस्तहक है कि उसने पूरे ओवरऑल टूर्नामेंट्स के अंदर बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी और इसका सिला उन्हें T20 एशिया कप की सूरत में मिला। इस स्पेशल ट्रांसमिशन में हमने तमाम ही तजिया निगार से जो है आपकी बात भी कराई, उनके तजिये भी लेते रहे, और स्पेशल ट्रांसमिशन से अब अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद।